20 तारीख को आते ही पता चला किसी का माइक नहीं चल रहा है, किसी का कुछ नहीं चल रहा है, वो प्रॉब्लम्स न फेस करना पड़े उससे पहले ही हम लोग ये सारे प्रॉब्लम्स से बाहर हो जाए, उसके लिए मैंने सोचा कि छोटा सेशन रख देंगे मीटिंग टाइप का। उससे क्या होगा, आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी कि कौन क्या कर रहा है, और प्लस आपके कोई क्वेश्चन वगैरह भी रहेंगे रिलेटेड टू ट्रेनिंग्स, वो भी डिस्कस कर लेंगे, प्लस क्या कैसे करना है वो मुझे समझाना था, तो उसके लिए मैंने ये छोटा सा मीटिंग अरेंज किया है। अब देखो इसमें मीटिंग में सबसे बड़ी समस्या जो सबसे गंदा काम है, कुछ लोग टाइम पे नहीं है, ठीक है। तो सबसे मेन क्या है कि ट्रेनिंग हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने BIM का कंप्लीट लेक्चर यूनिक्सीवी लैब पर डाल दिया है, तो ऐसा भी हो सकता था कि हम वहीं से कर सकते थे, लेकिन इस ट्रेनिंग में डिफरेंट क्या होने वाला है, इस ट्रेनिंग में डिफरेंट होने वाला है कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी, आपको डेली हैबिट हो जाएगी कि भाई इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, तो ऐसी हैबिट बनाने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। तो पहली और सबसे आखिरी कह सकते हैं उसको, ये आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि आपको डेली आना है, कैसे भी करके 8:30 बजे अगर गर्लफ्रेंड को बात करने का टाइम था उसको बोलो कि तुम 2 घंटे सो जाओ, उसके बाद कॉल करेंगे, 10 बजे हम आराम से फ्री हो जाते हैं, ठीक है। चलिए विकास श्रीवास्तव भी आ गए हैं और आदित्य सिंह भी आ गए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, और भी लोग आ जाओ जल्दी जल्दी, फिर स्टार्ट करते हैं, नहीं तो कैसे होगा कि आधा अधूरा नॉलेज हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें 8:30 का 8:31 नहीं करना है, ये एक थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बना लेना, और इस मुझे लगता है कि इस ट्रेनिंग के दौरान ये तो पक्का होने वाला है कि आपका आगे का फ्यूचर बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रीज़न ये है, आपके अंदर एक आदत आ जाएगी कि अब मुझे टाइम से सारा काम करना है, मतलब आज ये सेशन प्रैक्टिस करना है, कल ये प्रैक्टिस करना है, एक टाइम से हो जाएगा हमारे लिए। चलिए तो अभी मैं आपको, आपके सामने मेरे एक लिस्ट यहाँ पर पूरा बना रखा है कि करना क्या क्या हमको है, और ये मैं लिस्ट हमेशा बनाता हूँ किसी भी चीज़ को प्लान करने के लिए कि भाई आज का हमारा टास्क क्या है, मैं पहले ही उसको लिख रखता हूँ। आदित्य भी माइक ऑन कर लो, ऑफ कर लो, मैं बताऊँगा कब ऑन करना है, आप सभी से बात होगी और पूरा बात होगी अच्छे से, आपको जो भी बात करना रहेगा बात कर सकते हो रिलेटेड टू बीम, जो भी मतलब ये नहीं अरे सर बहुत परेशान हो, गर्लफ्रेंड क्या बोलते हैं बोल रही है शादी करने को, अभी जॉब करना है क्या करें, ये सब नहीं डिस्कस करना है। डिस्कस करना है कि हम अपने करियर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं और कैसे जल्दी से जल्दी जॉब ले सकते हैं। अब पहली चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि जिन्होंने भी बीम चूज़ किया है, इस बीम के अंदर जॉब लगना बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी पता नहीं इसमें से 2 लोग आए कि नहीं, मैंने इन 2 लोगों को CV भेज दिया था, सुदाम के लिए और शुभम के, शुभम तो आया हुआ है। तो अब देखो कि सुबह सुबह मैं जैसे आँख खोला तो मेरे पास एक बच्चे ने बोला सर 2 रैबिट की ओपनिंग है, 2 स्ट्रक्चर की ओपनिंग है, रैबिट टेगला स्ट्रक्चर की ओपनिंग है। तो मतलब इस डोमेन में सबसे अच्छी चीज़ है कि जॉब जल्दी लग जाती है। कोई अभी आए, चलो वेट ही कर लें क्या 2-4 मिनट सबका, ठीक है। तो इसलिए बस इस डोमेन में करना क्या है, इफेक्टिव CV बनाना है, मतलब हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि मेहनत कर करके इतना अच्छा CV स्ट्रॉन्ग कर दें कि बस वो CV देखते ही सामने वाला इम्प्रेस हो जाओ, बोले कि आ जाओ, ठीक है। तो यही हमारा मेन टारगेट है फर्स्ट एंड लास्ट। अब हम ट्रेनिंग कैसे करने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहला चीज़ आज इसलिए मीटिंग रखा है कि आज हम आपको सॉफ्टवेयर देंगे, ठीक है, ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर देंगे, जिसमें 2015 भी दे देंगे 17 18 19 20 आप कोई भी चला लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब अच्छे हैं, ठीक है। बाकी अगर पूछोगे कि सर आप कौन सा सजेस्ट करोगे, तो मैं 2016 मुझे अच्छा लगता है, बाकी आप कोई भी चलाओ सब सेम है, ऑटोकैड में कुछ भी खास चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो आज आपको पहला चीज़ मिलेगा कि सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपके मेल आईडी पे, उस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग तो हमारी 20 से स्टार्ट है, लेकिन अभी 20 को ट्रेनिंग करते फिर उस टाइम पे बोलते हैं सर सॉफ्टवेयर नहीं है प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो वो बहाना ही नहीं चाहिए मुझे बहाना, मतलब बहाना चाहिए ही नहीं भाई, सॉफ्टवेयर है और हमने प्रैक्टिस किया है, ये वो Day 1 से ये पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ आपको आज ही मिल जाएगा सॉफ्टवेयर। कैसे पढ़ना है, अब ये दूसरा टॉपिक होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, मैं पहले एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ, इसके बाद आप अपने क्वेश्चन पूछना, फिर बीम क्या होता है ये डीप में पहले समझाऊंगा। आज का हमारा जो लेक्चर है ये है कि बीम होता क्या है, वो हमारा लोग का नेक्स्ट रहेगा कि एग्जैक्टली समझेंगे। कैसे पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए हम लोग ऑटोकैड से स्टार्ट करेंगे, ऑटोकैड रैबिट आर्किटेक्चर रैबिट स्ट्रक्चर, उसके बाद MEP नेविसवर्क स्केचअप 3ds Max टेक्ला, ये पूरी सीरीज रहेगी। अब कैमरा ऑन हुआ है तो लीव होकर ज्वाइन हो जाऊंगा, बिल्कुल हो जाओगे, ऑन हो रहने भी तो कौन सा दिक्कत है,
ऑन रहने दो, दिख नहीं रहा किसी का कैमरा, टेंशन मत लो, शायद इसमें केवल मेरा ही कैमरा दिख रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सो जाना आराम से, ठीक है, पड़ा रहे तो क्या दिक्कत, तुम्हारा मन जा सकते हो, लेफ्ट करके आ जाओ। तो मैं आपको डेली टास्क दूंगा ऑटोकैड के बेस पे, फिर उसके बाद रैबिट के बेस पे, और वो टास्क लेने के बाद आपको उसी दिन प्रैक्टिस करके, उसी दिन वो टास्क को कंप्लीट करके दूसरे दिन सबमिट करना है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जिससे कि हमारी रेगुलरिटी बन जाए। अब आप अपने माइंड में टाइम प्रिपेयर कर लो, क्योंकि कुछ लोग जॉब में, कुछ स्टूडेंट हो, तो मैं आपको टाइम डिसाइड करके नहीं दे सकता कि 8 बजे सुबह सुबह उठ के काम करो। आपको जो टाइम लगता है वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा निकाल दो, कि इस टाइम पे केवल केवल सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल का काम करेंगे। समझो कि जॉब कर रहे हो, ये सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में जॉब कर रहे हो, और इस टाइम पे मुझे यही करना है। तो जो मैं PDF आज दूंगा, इस PDF को प्लीज़ ये गलती मत कर देना कि कल पढ़ लेंगे, अभी रख देते हैं लैपटॉप पर। नहीं, इस PDF को आज ही ख़त्म कर देंगे, जिससे कि कल वाला PDF हमारे लिए बर्डन न हो। नहीं तो क्या होगा, आज का कल कर लेंगे, कल का परसों, परसों का ऐसे, फिर इकट्ठा हो जाए, छोड़ो जाने दो यार, कुछ नया करते हैं, मतलब सब चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो हम सब सिविल इंजीनियर हैं, हमें पता है कि फ्लोर का बड़ा लाइक वैल्यू है। एक फ्लोर नहीं रहेगा तो दूसरा फ्लोर का बिल्डिंग बनाना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल क्या, बनेगा ही नहीं। तीसरा और गायब होगा तो और दिक्कत हो जाएगी, तो ये नहीं करना है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको HR राउंड का प्रिपरेशन करना है। क्या करना है, HR राउंड का प्रिपरेशन आज से ही करना है। देखो एक चीज़ बता दूँ, आप सब में से लगभग 15 लोगों की सीट मैंने बनाई हुई है, जिसमें से देखो पहली बार तो गलती किया है किसी ने, जो नहीं किया है, अटेंडेंस में लूँगा। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिस, बिलीव करिए, जिसकी जॉब लगेगी 12,000 रुपये की। कितने की लगेगी, 12,000 की लगेगी। और इसी चैनल पे मैं आपको दिखाऊंगा, इसी मीटिंग में आपको दिखाऊंगा, कुछ बच्चों की जॉब लगेगी 35,000 से 40,000 रुपये की। अब आप बोलोगे सर इतना डिफरेंस 12 और 35, 36, 3 गुना डिफरेंस कैसे आएगा? वो डिफरेंस आएगा आपके डिसिप्लिन से। ठीक है, आप जितना डिसिप्लिन रहोगे उतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा कि आप कितना अच्छा करो। डिसिप्लिन क्या है, आज का आज ही प्रैक्टिस करना है, ख़त्म, सोना है, प्रैक्टिस के बाद ख़त्म। ये अगर कर लिया तो आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। तो आपको ये करना है। HR राउंड में सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि देखो सैलरी तो उसी में मिलता है जो कंपनी बड़ी है। तो जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना प्रोफेशनल HR होंगे उनके पास, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। जितनी बड़ी कंपनी उतना प्रोफेशनल HR, ठीक है। अब जितना प्रोफेशनल HR उतना प्रोफेशनल क्वेश्चन। अब HR राउंड की मैं तैयारी तो करवाऊंगा नहीं, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं कि हम आपको कुछ वीडियोस सेंड करेंगे जो अच्छे होंगे HR राउंड के लिए, उनको वॉच करके अपने आप को तैयार करना है। मतलब हमें सामने वाले से कैसे बात करना है ये तैयार करना पड़ेगा। हमें सपोज इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक, अब इंट्रोडक्शन कई तरीके से हो सकता है। कुछ लोग लेट आ रहे हो, देखो ये प्रॉब्लम होती है कि अब इनको जो मैंने पीछे बताया इनका गायब हो गया, नितिन का और कोई और साथ कलाम है क्या। तो हमें जैसे कि अभी इंट्रोडक्शन पूछा गया कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो सबसे पहली गलती हम तो यही करें। अब जैसे मैंने बोला कि अभी यहाँ पर कई लोग, अभी नितिन आए तो मैं बोलूँगा नितिन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो नितिन बोलेंगे हाय सर माय नेम इज नितिन कुमार सिंह, जो भी नाम है XYZ, माय नेम इज नितिन कुमार सिंह, मैंने ऑलरेडी बोला है हाय नितिन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मतलब मैं नितिन को जानता हूँ। ठीक है, मैं नितिन को जानता हूँ, अब इसको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इनको ये बोलना है सर एज यू नो आई एम मनीष, जो भी मतलब सॉरी नितिन, आई एम नितिन कुमार सिंह, और उसके बाद आई हैव कम्प्लीटेड माई दिस डिग्री एंड करेंटली आई एम डूइंग इंटर्नशिप विथ यूनिक सिविल, और उसके बाद आपको ऐसे आगे इंट्रोडक्शन देना जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के इन चीज़ों को आपको YouTube के माध्यम से सीखना है। वीडियोस मैं दे दूंगा रेफरेंस के लिए ग्रुप में, इसीलिए ग्रुप बनाया है, और ग्रुप का सही यूज करना। आज कोई क्लास नहीं है, सिर्फ आपसे मैं दोस्ती करने आया हूँ, जिससे कि हमारा एक अच्छी बॉन्डिंग बन सके। ठीक है, तो आपको भी मैं माइक का भी अवसर दूंगा, सब लोग बात भी कर लेंगे। तो हमें क्या करना है कि ग्रुप में भी HR के क्वेश्चंस आप शेयर कर सकते हो कि HR क्या पूछते हैं। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा कमज़ोर है कोई टेंशन नहीं है, लिख लो। मैं तो डेली अपना टास्क यहाँ लिख लेता हूँ कि मुझे करना क्या है, आज का मेरा टास्क फिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे ही आप भी अपना टास्क कंप्लीट लिख सकते हो, और उसके बेस पे कंप्लीट करके कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो। मैंने अपने लाइफ में जो कुछ पाया है वो ड्यू टू कंसिस्टेंसी पाया है, और जो कुछ गंवाया है ड्यू टू कंसिस्टेंसी न होने के कारण वो सब चीज़ें चली गई हैं। तो आप भी इसी से सीख ले सकते हो। टेक्निकल राउंड का प्रिपरेशन मैं कराऊंगा, शर्त ये रहेगी कि आज जो PDF दिया है ये आज ही होना चाहिए। कल मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा उस पर, तो आपको आंसर करना पड़ेगा। इसलिए डेली
आपको टेक्निकल राउंड का जो भी कंटेंट दूंगा पढ़ के आना रहेगा, छोटे छोटे दूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगा, नहीं तो क्या होगा कि उसको डस्टबिन में ही रखोगे, डस्टबिन इन द सेंस लैपटॉप के किनारे, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं इधर सब लिख के रखा हूँ इसलिए आपको उसके हिसाब से डिस्कस कर रहा हूँ। आपका जो कुछ यहाँ पर हम लोग जो भी सीखेंगे इसकी मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, जो कुछ सीखेंगे इसकी रिकॉर्डिंग दूंगा तब तक जब तक कि आप क्लास को मिस नहीं करेंगे। अगर ऐसा मुझे लगेगा कि आप क्लास का मिसयूज करने लगे हैं, रिकॉर्डिंग का मिसयूज कैसा कि चलो जाने दो क्लास नहीं अटेंड करेंगे, क्या बोलते हैं डाउट लेक्चर तो मिल ही जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी जो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया तो मिल ही जाएगा। जैसे ही आप ये चीज़ करने लगोगे मैं उस ग्रुप से आपको निकाल दूंगा, आपको रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश करना कि रिकॉर्डिंग हमेशा मिले, उसके लिए कुछ नहीं करना है कि बस डेली अटेंड करना है, इस भरोसे नहीं रहना है कि आएगा रिकॉर्डिंग उस टाइम पर पढ़ लेंगे, फिर तो पढ़ भी नहीं पाओगे, प्लस उस टाइम पे फिर मैं तुम्हें असाइनमेंट दे नहीं पाऊंगा, फिर दूसरे दिन तुम असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे, फिर तुम वही 12,000 की कैटेगरी में आ जाओगे। फिर मत बोलना कि सर उसका तो 35-36 लग गया मेरा 12 क्यों, क्योंकि ऐसे लोगों की ही 12,000 की जॉब लगेगी 110%। आज मैंने जो शेयर किया था क्या बोलते हैं ठीक है आज मैंने जो जॉब ओपनिंग सेल किया था, यहाँ पर सुदाम आए हैं, शुभम आए हैं, इन दोनों का सीवी मैंने भेजा है, होप सो अगर सॉलिस्ट हुआ तो ये जॉब कैसी है, ये 22 से 25,000 रुपये मिनिमम देने वाले हैं, 20 तो पक्का ही है। तो ये एक अच्छी जॉब होती है कि एक फ्रेशर को 20,000 की जॉब अगर मिल जाती है, 25,000 की जॉब मिल जाती है, एक अच्छी जॉब कैटेगरी है। ये तब मिलेगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो प्लीज़ कंसिस्टेंसी बनाए रहिए, रिकॉर्डिंग का मिस यूज मत करना। आपको मैं एक अपना मेल आई डी दूंगा, मेल आई डी वो वाला नहीं दूंगा जो अपना रेगुलर है, क्योंकि आप सबको पता है उसमें बहुत ढेर सारे मेल आई डी मेल आते हैं तो कन्फ्यूजन होगा। सो आपके लिए स्पेशल मैंने मेल आई डी बना दिया है गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग करके, मैं आपको भेज दूंगा, उस पे ही आपको सारे टास्क दूंगा और वहीं आपको अपने टास्क को सबमिट करना है डेली बेसिस पे, ठीक है जी। और उसके बाद मैं जो भी आपको तैयारी करवाऊँगा, जो भी आपकी टेक्निकल चीज़ें आपको दूंगा, वो सब एज पर जॉब डिस्क्रिप्शन दूंगा, मतलब कंपनी में क्या क्या पूछ रहे हैं उसी बेस पर टेक्निकल तैयारी करवाऊंगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी कंटेंट बने हुए हैं, आप सबको पता है 150-200 घंटे का, वो आपको वॉच करके प्रैक्टिस तो करना ही है और उसका मैं टास्क दूंगा ही, लेकिन जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवानी है वो मैं करवाऊंगा। उसके लिए टेक्निकल चीज़ें मैं आपको सबमिट करूंगा, आपको बस डेली पढ़ के आना पड़ेगा, मैं इधर उसकी जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होंगी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और लास्ट में सबसे बड़ी चीज़ है स्टार्ट टू एंड पॉजिटिव अप्रोच रखना माइंड में। ये नहीं कह रहे कुछ नहीं होगा, सब बकवास है, ठीक है, बिलीव करो, अगर ऐसा आप सोचोगे तो वैसा बन जाओगे। अगर आप ये सोचोगे अरे कुछ नहीं सिविल में कुछ नहीं है, बिलीव करो कुछ नहीं मिलेगा, और ऐसा सोचोगे कि अरे कुछ नहीं 10,000 की भी जॉब मिल जाए बड़ी बात है, तो सच में 10 की ही मिलेगी। सो इसलिए मैं बोलूँगा अच्छा सोच लो। अच्छा सोचने का तरीका क्या है, अरे यार इतना मेहनत करेंगे, ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे कि सामने वाला जब देखेगा तो बोलेगा यार एकदम परफेक्ट बंदा है, क्या चाहिए अभी हमको, ठीक है। जब ये पॉजिटिव अप्रोच होगा ना, बिलीव करो, जब बड़ी बड़ी एजेंसीज ये पॉजिटिव अप्रोच देखती हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि ये इंसान कैसा है और इसका कॉन्फिडेंस कैसा है और इसको अपने कंपनी में रखना चाहिए कि नहीं, ठीक है। आप तुमको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी हम जिस तरीके का हमारा अप्रोच होता है, जिस तरीके से हमारी एक्टिविटी होती है, वैसा ही हमारा फ्रेश का एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे कि अगर मैं बहुत गंदे काम करूँ, बहुत ही फ्रॉड करूं, ठीक है, बहुत ही क्या बोलते जैसे होता है ना डाकू वगैरह वो सब काम करूं, तो मेरा फेस का जो एक्सप्रेशन है वैसा बनता चला जाएगा। और जैसे ही मैं पॉजिटिव वर्क करता चला जाऊंगा, जैसे ही मैं मेडिटेशन करता चला जाऊंगा, तो मेरा जो फेस है वो एक अलग फोकस मारेगा और ये फोकस इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्या बोलते हैं इंटरव्यू में आपके लुक के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू होगा, बिल्कुल नहीं। आपके इंटरव्यू देखा जाता है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट वाला इंसान। अगर मैं आपको अपने कंपनी में हायर कर रहा हूँ, बिलीव करिए आप ऐसे हाँ सर ओके इंट्रोड्यूस है सर, मतलब रोता हुआ आपका चेहरा मैं बना भी नहीं पाता, तो रोता हुआ अगर आपका चेहरा है तो मैं थोड़ा आपको सोचूंगा कि यार इस बंदे को अगर मैं कंपनी में लूँगा तो बिलीव करो ये कैसे होगा, इसका निगेटिव इन्वायरमेंट होगा, निगेटिव थाट होगा, क्यों ये दूसरे पास बैठे क्या कर रहे हो, कुछ नहीं रखा है सब में, क्या होता है 12-15 हज़ार रुपये में, छोड़ो यार, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। और वहीं पर एक एनर्जेटिक इंसान आया और उसके एंट्री करते ही पहले तो उसने अपना इंटरव्यू अच्छे से दिया, सिलेक्शन होने के बाद अगर कंपनी में एक पॉजिटिव अप्रोच डालता है कि सर ये भी करते हैं क्या, सर ये भी करते हैं क्या, तो हमें लगेगा यार नया बंदा है, इतना एनर्जी के साथ बार बार हमारे पास आ रहा है करने के लिए, इसको कुछ ऊपर पहुँचाना चाहिए। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, आप देख लेना अपने आस पास जो भी आपसे हायर पोजिशन पर होंगे वो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव अप्रोच रखते होंगे, ये मेरा बिलीव है और शायद इसी बिलीव से थोड़ा बहुत लाइफ में जो मैंने अचीव किया वो किया हुआ है।
चलिए ये तो था जस्ट इंट्रोडक्शन आपसे दोस्ती करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आप अपना बात रख सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन है उसके बाद थोड़ा टॉपिक शेयर डिस्कस करेंगे। कोई अभी तक में कुछ डाउट आया पूछ लो, नितिन कोई डाउट आया, मनी शंकर कोई डाउट आया, कुछ भी पूछ सकते हो आप। हाँ भक्ता बोलो। मेरा ये लेवो रेविट में, हाँ तो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी जो होता है ना, हाँ उसमें वो दिखाई नहीं रहा है कि रुक 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 भाई रुकता भी नहीं दिखा रहा है अभी। हाँ और ये मैंने कॉल करके पूछा था ना वो, हाँ वो लेवल्स तुम ऐसा करो, कंट्रोल पैनल में चले जाओ, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद जो रैबिट का ऑप्शन है उस पर राइट क्लिक करो, वहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अनइंस्टॉल में जाने के बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रीइंस्टॉल और एक ऑप्शन आएगा रिफ्रेश। ठीक है, तो पूरे सॉफ्टवेयर को एक बार रिफ्रेश कर दो। क्या होता है कि हम सीखते रहते हैं उस टाइम पर कुछ ना कुछ हमसे ऐसी बंद हो जाती है सेटिंग्स की हमें खुद ही नहीं पता चलती है, राइट। तो वो जो रिफ्रेश कर दोगे तो पूरा सॉफ्टवेयर फिर से नया हो जाएगा और जो भी सेटिंग इधर उधर मिस रहेंगी बाय डिफॉल्ट वाली सेटिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। कंट्रोल पैनल में जाके, हाँ बोलो, रैबिट में जाके नहीं, कंट्रोल पैनल में जाके, लैपटॉप में कंट्रोल पैनल होता है सर्च बॉक्स में, वहाँ जाके रैबिट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर राइट क्लिक करना, अनइंस्टॉल मिलेगा। ठीक है, अनइंस्टॉल करने के बाद जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पर दो ऑप्शन पूछेगा, रीइंस्टॉल या फिर क्या बोलते हैं रिफ्रेश या कुछ और बोलता है, उस पर जस्ट क्लिक कर दोगे तो अपने आप क्या होगा, पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है अपग्रेड हो जाएगा और फिर सारी सेटिंग वापस आ जाएंगी जो भी गड़बड़ किए होगे अब तक में प्रैक्टिस का दौरान। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन है, रिपेयर और रीइंस्टॉल। हाँ तो रिपेयर, रिपेयर करोगे तो हो जाएगा और रिपेयर पर नहीं आया तब रीइंस्टॉल, बट रिपेयर पर आ जाएगा जहाँ तक है। चलेगा, चलो नितिन कोई क्वेश्चन है, मनी शंकर कोई, आज हम लोग से बात करने आए हैं, कोई सेशन नहीं चल रहा है, सो आप आराम से पूछ सकते हो अपने जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, शुभम, संध्या, ये पबजी वार या ऐसे मत नाम रखो, कन्फ्यूजन हो जाएगा, अपना फुल नेम रखोगे तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। ठीक है, विकास और सुदाम आ रहे हैं, शुभम आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन है सबके पूछ सकते हो अपने जो भी डाउट्स हैं आपके, कैसे ट्रेनिंग, कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड या फिर ऑल क्लियर है तो मैसेज कर सकते हो, सर ऑल क्लियर है, कुछ भी है तो पूछो। सर मैंने आज एक कोई, हाँ पहले आदि तो पूछ लो फिर भागा बता। हाँ सर, अगर कोई सर जैसे कोई साइट पे काम कर रहा था पहले से, या मतलब साइट तो मतलब सॉफ्टवेयर लाइन में नहीं था, करेक्ट, तो और जैसे BIA में स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर कोर्सेज कर रहा है किसी कंपनी में जा रहा है, करेक्ट, तो उसको मतलब कहीं उसका प्लस पॉइंट मिलेगा या मतलब जैसे एज ए फ्रेशर स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो इसमें दो तरीके का होता है, एक तरीके कंपनी के टाइप से डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कंपनी का जो टाइप है, अभी मैं बीम के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कंपनी का टाइप ऐसा है जो कि बीम भी करता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है, बीम भी करता है और एग्जीक्यूट भी करता है, तो उस कंपनी में आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। और जो कंपनी केवल बीम की कंसल्टेंसी है वहां पर आपका एक्सपीरियंस को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें सर्च करना पड़ेगा ऐसी कंपनी जो एग्जीक्यूशन पे भी काम करती है और डिजाइनिंग में भी काम करती है, मतलब बीम डिजाइन में भी काम करती है, तो ऐसी कंपनी में आपका अप्रोच आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ओके, और किसी का, अमजीत, हाँ वक्ता बोलो, जब कुछ भी क्वेश्चन है तो। मैंने वो रिज्यूम भेजा था ना सर। हाँ मैं रिज्यूम तो सबका चेक करूँगा, अभी रिज्यूम का मैं अभी एक्चुअली रिज्यूम का फॉर्मेट दे रहा हूँ आज आपको। ठीक है, इसके बाद सारे लोग रिज्यूम बनाएंगे और एक सेशन में और करने वाला हूँ, शायद 19 तारीख को करूँगा। ठीक है, तो उस सेशन में आपके सबके रिज्यूम चेक करूँगा। ठीक है, और रिज्यूम बनाना कैसे है, आज एक दो लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से बनाया है, एक तो शुभम ने बनाया है और एक सुदाम ने बनाया है, इनके फॉर्मेट में आपको, ये आपके ही बैच के हैं तो इनके फॉर्मेट शेयर कर रहा हूँ, तो वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप बनाओगे फिर मैं आपको क्या बोलते हैं कल चेक करूँगा, कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो उनको करेंगे। अब दूसरी चीज़, दूसरा, हाँ ठीक है, माइक बंद कर देना बेटा, नहीं तो क्या होगा ना, आवाज़ आएगी और रिकॉर्डिंग हो रही है सेशन, तो मतलब आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब ऐसा होगा कि कई लोगों के पास ऐसा होगा कि उन्होंने सॉफ्टवेयर नहीं सीखे होंगे, ऑटोकैड या रैबिट नहीं सीखे होंगे, तो मेरा कहना है कि आप ऑटोकैड और रैबिट फिर भी रिज्यूम में मेंशन कर देना। तो बोलो कि सर उससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि किसी भी कंपनी में जैसे आज अप्लाई किए तो डेफिनेटली आज के आज रिस्पॉन्स नहीं आता है,
रिस्पॉन्स आने में 1 हफ्ते, महीने, 15 दिन आराम से लग जाते हैं, कभी कभी 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। तो जब आज करोगे, तो आज अगर तुमने ऑटोकैड रैपिड मेंशन किया है, तो जब तक इंटरव्यू के कॉल आएंगे तब तक तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे कि तुम्हारा उतना मटेरियल का तैयार रहेगा कि तुम इंटरव्यू को दे सकते हो। तो इसलिए आज से ही आपको रैपिड और ऑटोकैड अपने रिज्यूमे में मेंशन कर देना है, जिससे कि आपको क्या बोलते हैं शॉर्ट लिस्टिंग का चांस ज़्यादा बढ़े। अपने इस पूरे सेशन का एम ये है कि आप सब लोग प्लेस हो जाए, क्योंकि प्लेस हो गए तो बैच क्लोज, क्योंकि फिर कोई काम ही नहीं है। हमारा टारगेट ये है अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट, और ये प्लेसमेंट जरूर हो सकता है 12,000 से 35,000 तक। आप किस कैटेगरी में आते हो इस डिपेंड ऑन योर कंसिस्टेंसी, न मैं कुछ कर पाऊंगा ना आप कुछ कर पाओगे, आप कितना प्रैक्टिस करते हो उसी पर होगा। चलिए अब ले चलते हैं आपको, थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं बीम से, दोस्ती करवाते हैं बीम से कि बीम होता क्या है, सो दैट आपको इन फ्यूचर के लिए कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ बीम, तो डिटेल में एक्सप्लेन कर सको। चलो दिखाते हैं, फिर जो डाउट रहेगा फिर से आप पूछ सकते हैं, ऐसे ही हमारा होगा सेशन लेंगे, फिर आप डाउट, फिर सेशन, फिर डाउट, तो आप बात कर सकते। हाँ बोलो बोलो मैडम। विकास बोलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विकास सर, मेरा एक क्वेश्चन है अगर सही से मेरे को। मैंने बिल्डिंग में तकरीबन 2 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। Correct. और 4 साल मैं टेलीकॉम में मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ठीक है। Correct. तो अगर मैं अभी सॉफ्टवेयर में स्विच करूंगा Correct. तो क्या मतलब मेरा एक्सपीरियंस मतलब इसमें काउंट होगा या फिर वो वेस्ट हो जाएगा? ठीक है, जो आपका 2 साल है वो तो कम्प्लीटली मेंशन हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आगे का 4 साल है, ठीक है, वो आपके उसमें नहीं आएगा। अब वो उसी कंपनी में आ सकती है जो कंपनी टेलीकॉम प्लस बिल्डिंग देखती है। तो ऐसी कौन सी कंपनियां होती हैं? जो बड़ी कंपनियां होती हैं। तो फिर इसके लिए आपका HR राउंड आपको अच्छा रखना पड़ेगा, जिससे कि उनके यहाँ टेलीकॉम, और क्योंकि देखिए सीधी सीधी बात, अगर हमारे यहाँ पर टेलीकॉम का काम है और बिल्डिंग का काम है, तब तो आपका एक्सपीरियंस मेरे लिए यूजफुल है। लेकिन अगर केवल मेरा बिल्डिंग का काम है, तो फिर आपका टेलीकॉम किस काम का मेरे लिए, समझ गए? तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर आपका चांस कम रहेगा, मतलब कम कंपनियों में काम कर पाएंगे। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आज के टाइम में बीम में कई ढेर सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जो कि बहुत अच्छे पैकेज देती हैं, तो वहाँ एक्सपीरियंस काउंट हो या ना हो 35 से 40 हज़ार की जॉब दे देती है। तो आप टारगेट करिए उन कंपनियों को, मैं बताऊँगा कैसे टारगेट करना है। सिर्फ मैंने आपको स्टार्टिंग में आपने कॉल किया तभी मैंने बोला था कि यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं 15 के 15, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जो फ्रेशर है ना, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी सैलरी तो मतलब हो जाएगी। लेकिन जो एक्सपीरियंस है उनके लिए, और ख़ासतौर से आपका तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा विकास। जी सर, ठीक है सर। ओके जी। शुभम बोल रहे हैं कि सर मुझे डिग्री कंप्लीट करने के लिए 4 साल से ज़्यादा टाइम लगा है, अगर इंटरव्यू में पूछ सकते हैं तो क्या पॉजिटिव आंसर दे सकते हैं? सबसे अच्छा पॉजिटिव आंसर ये होता है कि किसी को भी आपके फाइनेंस कंडीशन के बारे में नहीं पता होता है कि आप कैसे फाइनेंशियली हो सुन, ठीक है। तो आपको सबसे अच्छा आंसर ये करना चाहिए कि आई वॉज नॉट एबल टू पे फी, आई वॉज ट्राई ऑल्सो फॉर एजुकेशन लोन बट आई डिड नॉट गेट। तो दैट्स वाई लाइक आई वॉज नॉट एबल टू पे फी फॉर 1 ईयर, दैट्स वाई आई ड्रॉप माई 1 ईयर, क्योंकि कोई तुम्हारा रिजल्ट थोड़ी चेक करने जा रहा है कि तुम उस ईयर में बैक की वजह से गए थे या फिर कोई और रीज़न था। तो सबसे अच्छा आंसर यही रहता है कि आप उनको बोल सकते हो कि क्या बोलते हैं, मैं फी नहीं पे कर पाया है, इसकी वजह से क्या बोलते हैं, मैं 1 साल मेरा ड्रॉप हो गया, 1 से 1.5 साल जो भी है तुम्हारा, ऐसा तुम बता सकते हो। या फिर दूसरा तरीका होता है कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए भाई थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा कि तुम्हें दिखाना पड़ेगा प्रूफ, ठीक है। और ये प्रॉब्लम केवल एक कंपनी में होगा शुभम, जब एक कंपनी आप एक्सपीरियंस आपका स्टार्ट हो जाता है फिर वो टेंशन ख़त्म। कैसे कि फिर दूसरी कंपनी को मतलब होता है कि पिछली कंपनी में कर क्या रहे थे। तो इसीलिए आपका जो पहला कंपनी होगा हो सकता है वो छोटा होगा, बट दूसरे में तो आप चाहे जैसे कंपनी में अप्लाई करिए, कोई टेंशन नहीं होगा। और छोटी कंपनी में क्यों होगा उसका रीज़न बताता हूँ। छोटी कंपनियों का पैसा कम देना होता है, मतलब कम फी आपको पेमेंट करती हैं, इसलिए उनको ज़्यादा आपसे होप नहीं होता, ज़्यादा आपको ज़्यादा वो पंच नहीं करती क्वेश्चन वगैरह को लेके, आओ लग जाओ काम करो बस हो गया, ऐसा हो जाता है। तो 6 महीने आपका लेस पैकेज रहेगा, जैसे ही आप थोड़ा और हाई होते चले जाओगे डेफिनेटली आपका ग्रो होता चला जाएगा। डोंट वरी, हम तो रहेंगे आपसे एक साथ आगे तक रहेंगे, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच बनाए रखना कि बस पॉजिटिव आंसर देना है, फेस पे पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, पूरी ट्रेनिंग में एकदम जोश के साथ पॉजिटिविटी के साथ आंसर करेंगे।
इन्होंने बोला कि सर इंडिया के बाहर भी की कंपनियों के लिए इंडिया में एवरेज कितना एक्सपीरियंस चाहिए? 2 साल मिनिमम लगता है मनीष, 2 साल में ये माना जाता है कि आपको काफ़ी कुछ आ गया है इस एक सेक्टर के बारे में, फिर आप जा सकते हैं। सो 2 साल मिनिमम आपको लगता है। चलो अब चले थोड़ा सा बीम के बारे में बता दें सबको कि बीम क्या होता है, तो उसके बाद आगे आप और डिस्कशन करेंगे, ठीक है? आपका क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये जस्ट एक तरीके से आज फ्रेंडशिप डे बोल सकते हो उसको, ठीक है? सिर्फ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पर क्या जो सैलरी है वो डिपेंड रहती है हमारे जो डिग्री परसेंटेज होती है इसमें? नहीं, सैलरी डिपेंड करती है डेफिनेटली। एक टाइम पे थोड़ा सा फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा इस पे फोकस होता है, बट ये चीज छिप जाता है अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। तो पोर्टफोलियो मतलब ब्रदर वर्क आपने जो सीखा है वो किस लेवल का सीखा हुआ है। कैसे होता है कि ये तुमको भी पता है कि कुछ लोग एकेडमिक में बड़े अच्छे होते हैं बट वो काम में अच्छे नहीं होते। ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे काम में ना, ठीक है? और कुछ लोग एकेडमिक क्या बोलते हैं काम में बड़े अच्छे होते हैं, एकेडमिक थोड़ा उनका गड़बड़ रहता है। तो कंपनियाँ जानती हैं कि जो क्रिएटिव इंसान है वो क्रिएटिविटी पर फोकस ज़्यादा करता है, थोड़ा बहुत वो मैनेज कर लेते हैं। बट ये नहीं कि इसका मतलब तुम 40% पाए हो, 50-55-60 मिनिमम रहना चाहिए, ठीक है? चलो अब समझते हैं बीम के बारे में, ठीक है? आपको कुछ डाउट रहेगा उसके बाद फिर से डिस्कस करेंगे। बीम होता क्या है थोड़ा सा देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट अभी फ्रेंडशिप करवानी है इसलिए थोड़ा बताना ज़रूरी है बीम के बारे में। ये बिल्डिंग है, ठीक है? ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। एग्जीक्यूशन से पहले इसको क्या किया गया है, इसमें सब कुछ चेक किया गया है। क्या क्या चेक किया गया है? कॉलम लगा के चेक किया गया है, स्टेयर लगा के चेक किया गया है, रेलिंग्स लगाया गया है, अंदर हीट वेंटिलेशन का कनेक्शन दिया गया होगा, वो सारी चीज़ चेक किया गया होगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस हुआ है इसमें मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो रैबिट यूज़ होता है, उसके बाद नेविसवर का वगैरह सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहले जानो कि बीम होता क्या है, बीम कॉन्सेप्ट। द फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल 2D बेस्ड टू अ प्रैक्टिकल रियलिटी विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल, इकोनॉमिक एंड एनर्जी एक्सेट्रा। पहले हम लोग क्या करते थे, एक 2D प्लान कर देते थे, किसी आर्किटेक्ट से बनवा लेते थे, फिर एग्जीक्यूशन करने लगते थे। बाद में पता चलता था मतलब जैसे अपग्रेड हुआ तो लोगों को लगा यार थोड़ा सा रियलिटी समझ पाएं कि कैसा बन के दिखेगा। तो लोगों को जैसे ड्रीम आया तो वैसे 3D का स्टार्टअप हुआ विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल। मतलब फंक्शनल मतलब कैसा काम होगा, रूम कैसे दिखेंगे मेरे, 3D में कैसे देख पाऊँ रूम की, ड्राइंग रूम कैसा दिखेगा, ठीक है? उसके बाद ऐसा भी दिमाग में आया कि यार चलो ठीक है फंक्शनल तो समझ लिया, किचन यहाँ रहेगा, 3D में सब तो समझ आ गया, लेकिन इसके साथ क्या ये भी पता चल सकता है कि कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी, लगभग पैसा कितना लग जाएगा। ओके जी चलो, आदमी का मन बढ़ता जाता है ना, 1 करोड़ कमाए तो 2 करोड़ कैसे कमाए। ऐसे ही इसमें भी हुआ कि फंक्शन के बाद इकोनॉमी आ गया, फिर इकोनॉमी के बाद क्या आया कि भाई अब चलो इकोनॉमी तो ठीक है और कुछ कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कितना लग जाएगी हमारे पूरे घर में और सनलाइट कितनी आ जाएगी हमारे पूरे घर में। अभी तो कुछ दिन से स्टार्ट हो गया कि भाई सोलर पैनल लगाएंगे तो कितना एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो ये सारा फंक्शन चेक कर लेना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बीम। ऑल डिसिप्लिन इन्वॉल्व विद प्रोजेक्ट कैन शेयर अ सिंगल डाटाबेस। एक फाइल में मतलब एक पूरी यही फाइल में सारा इंक्वायरी मिल जाए हमको, किसका एस्टिमेशन भी मिल जाए, इसका एनर्जी भी मिल जाए, इसका फंक्शन भी मिल जाए। तो दैट इज कॉल्ड बीम मॉडल। अब बीम मॉडल कैसे काम करता है, इसमें आर्किटेक्चर का काम भी रहता है, स्ट्रक्चर का भी काम रहता है, मैकेनिकल का भी काम रहता है, इलेक्ट्रिकल का भी, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, कंस्ट्रक्शन का भी, एंड ट्राइड टुगेदर, ये सब मिल के। अब इसमें से क्योंकि हम सब सिविल वाले हैं सो हमें हमारा जो मैक्सिमम फोकस रहेगा वो आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर पे रहेगा। किस पे रहेगा? आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर पे। आप कंपनी में भी जाओगे तो आपको मैक्सिमम इन्हीं दोनों पे रखा जाएगा। तो आप बोलोगे सर क्या मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे, बट एज अ फंक्शन कि भाई ये क्या है, ये HU है, ये पाइपलाइंस है, वो बस उस फंक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे अपने इस ट्रेनिंग में हम लोग, ठीक है? चैलेंजिंग टू कोऑर्डिनेट देम अनसेपरेटली अनप्रेसिडेंटली पॉसिबल। मतलब पहले कैसे होता था, पहले एक आर्किटेक्ट अपना प्लानिंग अलग करता था, स्ट्रक्चर वाला अलग करता था, मैकेनिकल वाला अलग करता था, तो उनका जो मीटअप होता था बड़ा मुश्किल हो जाता था। जब मैंने पहली बार जॉब किया तो मैं वहाँ पर एज अ क्या बोलते हैं ड्राफ्टमैन जॉब पे था, तो आर्किटेक्ट ने हमको ड्राइंग दे दिया, उसमें मुझे किचन का सेटअप करना था,
अब सेटअप किया, फिर उसमें जो थोड़े बहुत मुझे ऐसे थे कि सिंक वगैरह का पाइप पास करवाना था, तो मुझे आर्किटेक्ट से परमिशन लेने के लिए फिर से मेल करना पड़ता था फाइल को, वो चेक करता था, फिर रिप्लाई 2-3 दिन में देता था, फिर स्ट्रक्चर वाले ने फिर बोल दिया कि नहीं नहीं ड्राफ्टिंग ऐसे मत करो ख़राब हो जाएगा, फिर ये दोनों टाई अप करते थे, फिर इन दोनों का सब सुलझा तो ये बोल देता था कि क्या बोलते हैं यहाँ पर गैस का बर्नर नहीं लगा सकते हो, चलो इसका सुलझा, तो फिर इलेक्ट्रिकल वाला क्या बोल देता था कि भाई यहाँ पर हम पावर सप्लाई नहीं दे पाएंगे, तार बहुत लंबा खींचना पड़ेगा। तो इतना प्रॉब्लम होती थी हमें स्टार्टिंग में कि एक एक प्रोजेक्ट 3-3, 4-4, 5-5 महीने चले जाते थे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट। पर अब क्या हो गया है, अब बी मॉडल आ गया है। तो एक फाइल हम बनाएंगे रेविट में या फिर ऑटोकैड से बना के इम्पोर्ट कर लेंगे, अब उसी फाइल को स्ट्रक्चर वाला भी उसी पे काम करेगा, उसी फाइल पे मैकेनिकल वाला भी करेगा, उसी पर इलेक्ट्रिकल वाला भी, उसी पर आर्किटेक्चर वाला भी, और एक बीम कोऑर्डिनेटर होगा जो सबको देखेगा। तो मतलब अब क्या हो गया, आपका काम आसान हो गया, ये बीम मॉडल का एडवांटेज है। होप समझ में आया होगा। एनर्जी एनालिसिस ऑल्सो कैन बी डन इन अर्ली स्टेज ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट बिकम मोर प्रेडिक्टेबल। मोर प्रेडिक्टेबल क्यों लिखा है कि भाई एग्जैक्ट थोड़ी है कि हम 10 करोड़ बता दिए तो 10 ही करोड़ लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है 15 करोड़ लग जाए, बट एक आइडिया लग जाता है कि क्या बोलते हैं 10 करोड़ की जगह 12 करोड़ लग सकता है, 11 करोड़ लग सकता है, या फिर 8 करोड़ लग सकता है आसपास। तो ये भी हमें पता चल गया, और हमें ये जरूर पता चल गया कि एनर्जी वगैरह का हमारा कितना कॉस्ट कैसे जाएगा। तो दिस इज बीम कॉन्सेप्ट, होप समझ में आया होगा। अब बीम करें क्यों सर, ठीक है, हम क्यों ना 2D वाली जॉब करें, हम क्यों ना क्या बोलते जैसे पहले कंस्ट्रक्शन करते थे, बीम में काहे को अपना हम 1-2 लाख खर्चा करेंगे, फ़ायदा क्या है इसका। तो इसका फ़ायदा समझो, ठीक है, इसका फ़ायदा है कि इसमें इससे आपका एक्यूरेसी मेंटेन रहता है, मतलब आपका कुछ भी सामान वेस्ट नहीं होगा, जितना चाहिए उतना ही मंगवाओगे, रिलायबिलिटी रहती है प्रॉपर उस स्ट्रक्चर की, टाइम सेविंग्स हो जाती है। टाइम सेविंग कैसे कि मुझे हम इसमें अगर हमको ये पता चल गया कि ये काम को करने में इतना दिन लगेगा, ये काम को करने में इतना दिन लगेगा, तो उसी एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। जैसे भी हम आपका बीम का कोर्स है तो वो 4 महीने का, लेकिन अगर मैं आपको कोर्स केवल दे दूँ, आप हो सकता है 1 साल भर में कंप्लीट करो, हो सकता है 8 महीने में कंप्लीट करो, बट एज अ ट्रेनर मुझे पता है कि आपका टाइम कैसे बचाना है, तो इसलिए मैं आपकी टाइम सेविंग करूँगा, वैसे ही बीम के वजह से टाइम सेविंग होता है। कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, आपको लगता है कि ये वाला फाउंटेन लगाना आपके सोसाइटी के प्राइस से थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, तो आप पहले ही डिसाइड कर लो ना कि हम फाउंटेन कौन सा लगाएंगे, ठीक है। आपको एलिवेशन के लिए कितना खर्चा करना है, उसके बेस पे एलिवेशन की डिज़ाइन करो, क्योंकि मान लो मैं एक मॉड्यूलर हूँ, मैंने बहुत अच्छा एलिवेशन दे दिया और आपके प्राइस के ऊपर चला गया, तो क्या मतलब का वो, ठीक है। तो कॉस्ट को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ईजी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, आर्किटेक्चर वाला स्ट्रक्चर वाले से उसी फाइल में करेक्शन करवा सकता है, स्ट्रक्चर वाला एमईबी वाले से डिस्कस कर सकता है, मतलब हर एक लोग एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा फायदा है इसमें। अभी इसमें 3D प्रिंटिंग मॉकअप्स आ चुके हैं, जिसमें आपको प्रॉपर दिखता रहता है कि एग्जैक्टली ये ऐसे ऐसे बन के दिखेगा, ये रीबार हमको ऐसे दिखेगा, इसका बेनिफिट हमें मिल जाता है, सिमुलेशन मिल जाता है। सिमुलेशन मतलब कि अभी जब नरेश्वर पढ़ाऊंगा तो वहाँ दिखाऊंगा आपको, सिमुलेशन मतलब कि आप एनिमेट कर सकते हो कि जनवरी में आपका काम कितना कंप्लीट होगा, फरवरी में कितना, मतलब एक तरीके का एनिमेशन कर सकते हो, आपने यूट्यूब वगैरह पे देखे होंगे। इन्वेंट्री एंड एसेट मैनेजमेंट, आपने आज खरीद लिया मान लीजिए 200 बैग ऑफ सीमेंट, ठीक है, और पता चला कल को आपका जो लेबर है लेबर केवल 10 है, कितना सीमेंट यूज करेंगे, हो सकता है सीमेंट का एक्सपायरी तो 3 महीने आपको पता है, आगे का जो सीमेंट बच गया वो यूजलेस हो जाएगा, तो ऐसे सीमेंट के लिए क्या मतलब है एक्स्ट्रा मंगवा के। प्लस अगर मान लीजिए 2000 बैग्स आपने मंगवा भी लिए, तो उसके वजह से आपको एक गोडाउन लेना पड़ेगा जिसका किराया खर्च करना पड़ेगा, तो एसेट आपका ख़राब हो रहा है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको कब कितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मंगवाया जाए, तो वो सबका भी बेनिफिट होता है, बीम से पता चल जाता है। स्केडा एंड BMS इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें MEP का पोर्शन है। लाइटिंग कहाँ पर कितना ऐड करना है, कहाँ पर कितना हमको टेम्परेचर ऐड करना है, वो सब कुछ इसमें हम लोग देख लेते हैं। बिल्डिंग ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, कौन क्या क्या मैनेज करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये भी हमें बीम के अंदर पता चल जाता है, ठीक है। दिमाग लगाओ बीम में कितना बेनिफिट है, तो अगर कोई अब आपसे पूछेगा बीम का बेनिफिट, ठीक है, बोर मत होना, ये बहुत काम की चीज़ है, तो कोई बेनिफिट बोलेगा तो अब आप बता सकते हो कि भाई एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी रहती है, टाइम सेव होता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, इजी इन्फॉर्मेशन रहता है, 3D प्रिंटिंग मॉकअप देख सकते हैं, सिमुलेशन कर सकते हैं, मतलब बहुत बेनिफिट्स है। इसका मतलब अब क्लाइंट आपसे कन्विंस हो जाएगा कि हाँ हाँ यार बीम करना चाहिए। अच्छा जी,
किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो बीम सीखने के बाद। मान लो कल अपना बिजनेस खोले तो किस तरह के प्रोजेक्ट ले सकते हो, आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कर सकते हो, सर्विस प्लानिंग एंड मॉडलिंग वगैरह का काम ले सकते हो, क्लैश व्यू मॉडलिंग, क्लैश व्यू मॉडलिंग मतलब होता है क्लैश चेक करना, आगे भी दिखाऊंगा क्या होता है, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग आप ले सकते हो काम, ऑफिस स्पेस का इंटीरियर का काम ले सकते हो, कॉमर्शियल इंटीरियर, रेसिडेंशियल इंटीरियर, बिल्डिंग रेसिडेंशियल उसका डिज़ाइन कर सकते हो, पूरे बिल्डिंग का एक्सटीरियर डिज़ाइन, मतलब ये सारे तरह का प्रोजेक्ट जो होता है इसको बोलते हैं बीम प्रोजेक्ट्स, ये सब बीम प्रोजेक्ट के ही पार्ट है। अच्छा जी, अब इसमें सब तो समझ में आ गया होगा, आपको क्लैश नहीं समझ में आया होगा, आगे दिखाता हूँ क्लैश क्या होता है। ये देखो इस तरीके के प्रोजेक्ट कर सकते हो 3D वाले, ओके जी। और ये मैं कुछ अभी आपको सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि होता क्या है, सो दैट आप आगे के लिए कोई पूछ ले तो बता सको उसको। तो इस तरह के प्रोजेक्ट करने से बेनिफिट क्या हो रहे हैं आपको, इससे 3D विजुलाइजेशन हो जा रहा है, एनर्जी एनालिसिस हो जा रहा है कि कितना वेंटिलेशन वगैरह आएगा, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग हो जा रही है कि कॉलम में कितना स्टील लगेगा, कहाँ कितना स्टील, BOQ, प्री फैब्रिकेशन, पहले से पता चल गया क्या क्या आपको कैसे कैसे एग्जीक्यूट करवाना है। चलो सर्विस प्लानिंग में क्या करके देते हो, अगर ये काम का आपने स्टार्ट किया तो ये काम में आपको ये देना पड़ेगा, अगर आपने सर्विस प्लानिंग या 3D मॉडलिंग का काम स्टार्ट किया तो ऐसे मॉडल करके दे सकते हो कहाँ पर किस तरीके से, क्लैश पॉइंट चेक कर सकते हो, क्लैश पॉइंट का एग्जांपल आगे दिया हुआ मैं दिखाता हूँ, प्री फैब्रिकेशन मतलब कैसे कैसे करना है वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है जी। क्लैश चेक वैसे बता दूँ, जैसे मान लो ये पाइप है, अब कल को आपने अगर सही तरीके से डिज़ाइन नहीं किया है, फायर फाइटिंग की पाइप है, तो अगर ये इस डक्ट वाली पाइप के अंदर से अगर क्रॉस करेगा तब तो डक्ट में छेद करना पड़ेगा, अब ये डक्ट में छेद कर दिए तो डक्ट का जो इसमें कूलिंग है वो बाहर आने लगेगा, तो जहाँ नहीं चाहिए वहाँ कूलिंग आएगी, कोई मतलब निकलेगा नहीं, ओके। तो इस तरीके से आपको फायर फाइटिंग का प्लान, अब सोचो कि अज्यूम करो यहाँ पर एक अगर बीम होता तो ये पाइप कैसे क्रॉस करते, क्या बीम में छेद करते, वो ठीक नहीं होता। अब बीम अगर फायर फाइटिंग को ऐसे जाके नीचे ले जाते फिर टेढ़ा करके ऊपर लाते तो पाइप का जो खर्चा होता है बढ़ जाता, पाइप एक्स्ट्रा लगता है 1.5 फीट, तो ये सारा कुछ क्लैश चेकिंग से चेक किया जाता है। आगे ये देखो यहाँ पर है ये जो पाइप है, अगर इस पाइप को क्रॉस करना पड़ा गया इस बीम को तो बीम की स्ट्रेंथ भी जाएगी, ऊपर से ये कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा, सेम ये पाइप्स देख लो, इसको बोलते हैं क्लैश चेक। ये देखो ये पाइप जा रही थी, थोड़ा सा दिमाग कम लगा पाए तो ये वाली पाइप मिक्सअप हो गई, अब हो सकता है ये कूलिंग वाली पाइप हो, ऐसे है कूलिंग वाली और ये हीट वाली पाइप है, मिक्स हो गए ना दोनों, काम खराब हो गया, ठीक है। ऐसे चीज़ों को बोलते हैं क्लैश चेक, इसके प्रोजेक्ट्स निकाले जाते हैं, नेविस वर्क में किए जाते हैं प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पर आपने हाइट कम रख दिया, कल को अगर कोई आता है और खड़ा होता है तो उसको इस सिर पे लगेगा ये, तो ये इजी नहीं है, तो ये सब क्लैश व्यू आपको चेक करने पड़ते हैं, जो कि हमारे इसी सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं। बीम मॉडलिंग ये पूरा टेक्ला सॉफ्टवेयर पर बना हुआ है, कैसे बनेगा, कैसे बन के दिखेगा, कैसे कनेक्शन दिखेगा, वो सब कुछ हम लोग इसके अंदर चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। ये ड्राइंग कैसे निकलेगी, सॉफ्ट ड्राइंग कैसे निकलेगा, सब टेकला निकाल के दे देगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ऑफिस का इंटीरियर आप इस तरीके से बना के इसके भी पैसे जॉब कर ही सकते हो, साथ ही साथ फ्रीलांसिंग भी इसमें करके आप पैसे कमा सकते हो, ये भी हम लोग इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है जी। तो ओवरऑल जो रेविट है ये बहुत हेल्प करने वाला है आपका। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, जिसके बारे में आगे तो डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा भी बता देता हूँ। हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे LOD 300 तक आपको काम आता है कि LOD 500 तक काम आता है, तो अगर आप मेरी ट्रेनिंग को पूरा 4 महीने सही से करोगे तो LOD 500 तक का आपको काम पक्का आ जाएगा। क्या होते हैं LOD, आओ बताते हैं। LOD 100 में प्री डिज़ाइन होती है, प्री डिज़ाइन मतलब कि जस्ट डिस्कशन होता है कि कैसे कैसे काम करके देना है, ये पूरा काम आर्किटेक्ट के अंदर में आता है, आर्किटेक्ट डिसाइड करता है कि अच्छा यहाँ पर एक सोसाइटी जनरेट करेंगे, यहाँ पर ये करेंगे, वहाँ पर ये करेंगे। LOD 200 में सिस्टमेटिक डिज़ाइन होती है, जिसमें सिविल इंजीनियर भी काम करता है, ड्राफ्टमैन भी काम करता है और आर्किटेक्ट भी काम करते हैं। तो ये सिस्टमेटिक कि भाई एक ब्लॉक यहाँ बनाएंगे 2D में, हाँ एक ब्लॉक यहाँ बनाएंगे, एक ब्लॉक यहाँ बनाएंगे, यहाँ एक गार्डन जनरेट करेंगे, यहाँ स्विमिंग पूल जनरेट करेंगे, जो भी चीज़ें हैं। LOD 300 में काम आता है, मैक्सिमम जो इंडिया में कंपनियाँ हैं यहीं तक काम करती हैं, LOD 300 तक अच्छी कंपनियाँ यहाँ तक करती हैं। डिज़ाइन डेवलपमेंट मतलब डिज़ाइन करके दिखाओ कि उन्हें जो जिसको 3D के नाम से तुम लोग जानते हो कि 3D मॉडुलर, ठीक है, तो वो डिज़ाइन करके दिखाते हैं कि कैसे कैसे बन के दिखेगा। LOD 350 में होता है कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन, मतलब उसमें एस्टिमेट करेंगे, प्राइजेस वगैरह देखेंगे कितना कितना लगने वाला है, क्या क्या बाई रूल के अकॉर्डिंग बना है कि नहीं, बिल्डिंग बाय लॉ फॉलो हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। और LOD 400 जो है कंस्ट्रक्शन स्टेज बताता है कि जनवरी में इतना बन जाएगा, फरवरी में इतना, मार्च में इतना और इसके आगे। और LOD 500 में एज बिल्ड
जैसा बन के दिखेगा, उसमें ऑफिस बनाया हो तो ऑफिस में ऐसे लोग दिखेंगे, ये सारा चीज़ें जो होती है LOD 500 में होती है। तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ तक होने वाली है, LOD 500 तक। ठीक है जी, इतना था इंट्रोडक्शन, बाकी तो बहुत है बट आगे मैं सब एक्सप्लेन करूँगा आपको, तो अच्छा रहेगा, ईजी रहेगा। अभी सिर्फ मेरा काम था आपकी दोस्ती करवाना कि समझ जाओ कि भाई बीम होता क्या है। समझा क्या, कुछ मज़ा आया, कुछ आइडिया लगा, कमेंट करके बताओ। ये तो समझ में आया होगा कि बीम होता क्या है, ठीक है, बीम में काम क्या होता है, थोड़ा वो समझ आया कुछ। माइक ऑन कर लो, आराम से बात करो यार। देखो यार, ये यहाँ पर इंटरेक्शन करना पड़ेगा 1-to-1, ठीक है, क्योंकि मैं 15 की जगह 100 लोगों को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 15 लोगों से बात पॉसिबल है, ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे ही आपको एक्टिव रहना है कि हाँ ठीक है सर से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, कुछ भी दिक्कत आएगा डायरेक्ट मुझे मैसेज करो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ये नहीं, बहुत छोटी प्रॉब्लम, मतलब लेवल होना चाहिए उसका। पबजी वार, यार तुम अपना नाम बता दो, यहाँ पबजी वार लिख के आ रहा है, तो मुझे ना वो समझ नहीं आ रहा है। 500 के बाद भी कुछ लेवल नहीं, अपने इंडिया में, अपने इंडिया में LOD 500 तक काम करते हैं। इसके बाद अभी AI वगैरह आ गया है जो कि इंडिया में भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, US में थोड़ा थोड़ा भी स्टार्ट हुआ है। LOD 700 तक काम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो उसमें कैसे है ब्रदर कि अच्छा ताकि हो क्या, ओके। तो अभी इसमें कैसा है ब्रदर कि अभी लोगों ने AI ऐड कर दिया है। AI मतलब आप शोरूम के अंदर एंट्री किए, पूरी की पूरी लाइट्स ऑटोमेटिक जल जाएंगी, ठीक है। आप एंट्री किए, आपके ऊपर स्पॉट पड़ जाएगा कि अच्छा ये आप स्पॉट में हो, कैमरा आपको देखते ही आपके साथ काम स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आप निकले मॉल के अंदर, आपका इरादा हो गया कि चोरी करना है, कैमरे को ऐसा कुछ भी लगता है कि आप थोड़ा कुछ गलत काम करने वाले हो, कैमरा आपके तरफ अपने आप रोटेट हो जाए, रोटेट हो गया आप चलते रहोगे, वो आपके ऊपर फोकस करता रहेगा। तो जो एक कंट्रोल रूम में बैठा है वो देख पाएगा, अच्छा आपका इरादा कुछ गड़बड़ है, समझ गए। तो ये टेक्नोलॉजी अभी बिल्डिंग में इंट्रोड्यूस हो रही है, अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है कि मैं इस कमरे में हूँ तो नेक्स्ट कमरे में कौन बैठा हुआ है। अगर मेरा खुद का घर है तो हम वॉल में ऐसी टेक्नोलॉजी ऐड कर रहे हैं कि नेक्स्ट कमरे में कौन बैठा है हम उनको प्रॉपर देख पाएँ बिना ग्लास लगाए, और वो हमें नहीं देख पाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये वॉल के अंदर लेंसेस वगैरह ऐड हो रहे हैं, घर के अंदर बैठे हो बाहर कौन आया बिना कैमरे के देख पाओगे क्या, ऐसी टेक्नोलॉजीज अभी इंट्रोड्यूस हो रही है बिल्डिंग के अंदर। सर जैसे कि हर टेक्नोलॉजी के कुछ ना कुछ प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो जैसे प्रोज तो सर हम लोगों ने सीख लिया, अब सर इसके कॉन्स क्या हैं, मतलब अगर ऐसे बात करें तो, ठीक है, इसके पहला टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं। पहला कॉन्स ये है कि अगर इसको कॉन्स के रूप में देखना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के पास तो जाना ही पड़ता था, अब आपको बीम कंसल्टेंट के पास भी जाना पड़ेगा। पहला कॉन्स ये, पैसा बढ़ गया आपका, ठीक है। और इसको अब देखो, इसको पॉजिटिव तरीके से देखोगे तो बीम वाला आपका बेनिफिट कर रहा है, लेकिन निगेटिव तरीके से अगर देखोगे तो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रहा है उनकोर करने के लिए। एज अ कंपनी ओनर देखोगे तो स्किल बंदा ही चाहिए इसके लिए। इसके लिए नॉर्मल अगर कोई नॉलेज वाला बंदा है तो वो काम नहीं कर पाएगा इसके लिए, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि डेफिनेटली अब आपको जैसे ही आप कोई मॉडल बनाते हो तो मॉडल के टाइम पर ऐसा फंक्शंस आप ऐड करने लगते हो कि बेहतरीन से बेहतरीन हो जाए, तो उससे उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो उसके इस्टीमेशन पे इफेक्ट आ जाता है। जैसे कि अभी आपको अगर बोलूँ कि क्या बोलते हैं, आपको अपना एक क्या टी शर्ट लेना है, ठीक है। अब टी शर्ट को अगर डिज़ाइन कराओगे, कस्टमाइज करवाते हो अपने हिसाब से, तो आपको ही पता है कि टी शर्ट की प्राइस 500, 600, 700 चली जाती है। और नॉर्मल टी शर्ट अगर लेते हो बिना कस्टमाइजेशन के, जो पहले से बना हुआ है उस हिसाब से, तो आई थिंक 300-400 रुपये का मिल जाता है। तो ये सब कॉन्स हैं, बट इससे क्वालिटी इंक्रीज होती है। 500 लगाने पर टी शर्ट अच्छा मिलता है तो नो डाउट है, बट डेफिनेटली प्राइस पर आपकी इफेक्ट पड़ता है, ये फर्क पड़ता है। सर एक और सवाल है, बीम मॉडलर मतलब जैसे एज ए सिविल इंजीनियर हम जानते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमें कैसे कहाँ क्या परफॉर्म करना है। सर अब मुझे बीम मॉडलर का बहुत आइडिया नहीं है, मगर पता नहीं ये सही समय है कि नहीं, अगर आप मुझे बताएं कि बीम मॉडलर का एक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होना चाहिए किसी भी वर्क के रिगार्डिंग या प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और एक मनीष ने भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या है सर। ओके, तो पहले सबसे पहले तो बीम मॉडलर होता क्या है ये बता दूँ, फिर उसके बाद आपका अप्रोच क्या होना चाहिए ये बताता हूँ।
वी मॉड्यूलर का काम ये होता है कि कोई भी ड्राफ्टिंग की हुई फाइल आपके पास आती है उसका ऐसा एलिवेशन बना दो कि सामने वाले क्लाइंट्स को एकदम पसंद आ जाए। तो इसलिए क्या करती है कंपनियां, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि कोई मॉड्यूलर कोई क्लाइंट आ गया तो मॉड्यूलर को सामने बैठाते हैं। कैसे? क्लाइंट के माइंड को रीड करो, क्लाइंट चाहता कैसे, ठीक है, बिलीव करो। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं आप बहुत बेहतर बनाने का सोच रखे हो लेकिन क्लाइंट का माइंड में कुछ और चल रहा है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए, तो आपका वो डिज़ाइन पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा उस क्लाइंट के माइंड को पढ़ लिए और वैसा ही बना के दे दिए, थोड़ा ख़राब भी रहेगा तो क्लाइंट पसंद कर लेगा। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को वही चीज़ चाहिए था। तो क्लाइंट हमेशा जब अपना ड्रीम पालता है तो उसके ड्रीम के अकॉर्डिंग ही हमें अपना काम करके देना है। अब इसमें बात यह आती है कि हम कैसे ये काम कर पाएंगे या फिर अपना इसमें क्रिएटिविटी कैसे शो करेंगे। तो क्रिएटिविटी शो करने के लिए आपको सबसे पहले कॉपी करना पड़ेगा। कैसे कॉपी? अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, एक मेरा भांजा है तो वो उसको उसकी मदर ऐसे सिखा रही थी कि पॉइंट को पॉइंट से मिलाना होता है। वो अभी शायद 2-3 साल का है। एक पॉइंट से ऐसे पॉइंट मिलाया, फिर दूसरे पॉइंट से दूसरा पॉइंट मिलाया, फिर तीसरा पॉइंट मिलाया, 4 बन गया। मतलब उसने पहला कॉपी किया, फिर दूसरा कॉपी, फिर तीसरा कॉपी, 4 बन गया ऑटोमेटिक। तो ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी बहुत ढेर सारी साइट्स हैं, जैसे कि सबसे अच्छी साइट तो पिंटरेस्ट है, वहाँ पर डिज़ाइंस के अप्रोच देखने पड़ेंगे, लोगों के डिज़ाइंस देखने पड़ेंगे। आपको मेरे वॉलपेपर पर दिख रहा होगा 2 ट्यूबलाइट लटके हुए हैं। अब ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कहीं ना कहीं हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव माइंड है तो इसको माइंड सेट में रख लिया कि हाँ यार इसको कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कप रखा हुआ है सामने से बारिश की वो जो दिख रहा है, ये थीम हो सकता है अगर हम कोई डिज़ाइन कर रहे हैं तो। तो हमें देख, मैं कैसे डिज़ाइन करता हूँ मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरी क्रिएटिविटी बिल्कुल जीरो थी पहले। तो जब मुझे मिलता था काम तो मैं काम करता था पर लोगों को पसंद नहीं आता था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पहले तो उनको रीड करना स्टार्ट किया, फिर आया मैं पिंटरेस्ट पे और फिर देखता कि सबसे अच्छी बालकनी किसने डिज़ाइन की हुई। पिंटरेस्ट में बहुत ढेर सारे बालकनी के आपको अप्रोच मिल जाएंगे, तो मैं वहाँ से उनको कॉपी करता था और उसमें से कोई एक बालकनी यहाँ पर सेट कर देता था कि भाई इस तरीके का बना दिया। फिर देखा कि फ्रंट एलिवेशन किसका अच्छा है, जिसका सबसे बेटर लगा उसका कॉपी करके फ्रंट एलिवेशन कर दिया। किसकी सामने की वॉल बाउंड्री किसकी अच्छी है उसका कॉपी करके वहाँ लगा दिया। जब ऐसे ऐसे करते गए करते गए, जब 50-60 प्रोजेक्ट हो गया ना, तो ऑटोमेटिक अब आइडिया लग गया कि कैसे बना सकते हैं। तो फिर भी देखते हैं, मैं अभी भी देखता हूँ कि भाई किसी का और डिज़ाइन देकर रेफरेंस लेते हैं, बट आइडिया लग चुका है तो आपका काम हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन कि कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। दूसरा इन्होंने पूछा हुआ है कि मॉड्यूलर से ऊपर कैसे जाएं। तो मॉड्यूलर से ऊपर होता है स्ट्रक्चर डिटेलर। तो डिटेलर के लिए आपको रेविट स्ट्रक्चर्स और टेक्ला स्ट्रक्चर्स पे अच्छा नॉलेज ऐड करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप मॉड्यूलर की प्रोफाइल पर अच्छे से काम कर पाओगे। और इसके बाद अगर थोड़ा बहुत भी MEP का नॉलेज है तो आप बन जाते हैं बीम मैनेजर। बीम मैनेजर बनने के बाद आपका टेंशन खत्म। फिर सिर्फ और सिर्फ आपको आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर और MEP वाले को लीड करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, काम वही करके देते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया विकास? थैंक यू सर, एकदम परफेक्ट जवाब दिया आपका। ओके ओके चलेगा। तो अब देखिए, मैंने जब इनका जवाब भी मैं दे रहा था तो मैं इनके अकॉर्डिंग ही जवाब देने की कोशिश, मतलब आपको ये सीखना है यहाँ से कि इनके अकॉर्डिंग ही जवाब देने की ज़रूरत है। परसों मैं गया था, एक हमारे मौसा जी हैं तो उनके यहाँ पर मैं गया था, तो वहाँ पर कुछ लोग आए थे, उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो। तो मैंने बोला कि मैं क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर की मॉडलिंग करता हूँ और लाइक हम लोग एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं और डिज़ाइनिंग करते हैं, एचवी करवाते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा, वो समझ नहीं पाया कि इस प्रोफाइल में होता क्या है, क्योंकि वो तो भाई ठीक है एजेड थे और उनको ये सब चीज़ आइडिया नहीं थी। तो उन्होंने बोला ये क्या होता है बेटा। तो मैंने बोला कि जैसे आप इस रूम में बैठे हुए हैं तो आपको कैसा लग रहा है। तो बोले बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा अगर ये ट्रेडिशनल मेथड से बनवाया गया होता तो आपको यहाँ पर इतना अच्छा सोफ़ा नहीं मिलता, सामने टीवी कैबिनेट नहीं मिलता, एक रूम बना दिया गया होता, उसी रूम में चेयर लगा के आप बैठे होते। बट इसे हमने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है, इसके वजह से आपको इस रूम में आके कंफर्ट महसूस हो रहा है। तो मतलब कुल मिला के हमने उनके माइंड को रीड किया कि वो क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से उनको आंसर किया अपने प्रोफाइल के बारे में। इसकी जगह मैं कुछ और बताता तो शायद वो कन्फ्यूजन पड़ जाता कि पता नहीं क्या मैंने बता दिया। तो हमें उनके क्लाइंट के माइंड को ज़रूर रीड करना है। और किसी का सुदाम कोई क्वेश्चन है? शुभम आराम से पूछ सकते हो, एकदम ये मत सोचना कि क्या भाई पूछ रहा हूँ, ये मैं सेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे इंटरेक्ट करने आया हूँ कि एटलीस्ट सबको जान तो भाई अच्छे से, जैसे कि भी माहिर है, माहिर को मैं जानता हूँ, तो मैं सबको ही जानता हूँ,
संध्या है, सबको जानता हूँ, बट आपका क्वेश्चन जो है पूछ सकते हो। सर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए पीसी की? पीसी की रिक्वायरमेंट देखो, यस सर। पीसी एक ऐसा इसमें प्रोफाइल है ये बीम कि ब्रदर, ये ना ऐसे प्रोफाइल की जैसे कि आप एक होता है ना बाइक राइडर, ठीक है। अब बाइक को मैं अभी भी, मैंने एक बाइक ली तो आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, मेरा ब्लॉग नहीं देखा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे प्रचार कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर हाँ क्या बोलते हैं, जैसे कि बाइक मेरे पास एक बाइक थी, कौन सी वो, मैं कॉलेज टाइम में मेरे पास एक ग्लैमर बाइक थी, मैंने अपने ही पैसे से उसको किया था, तो ग्लैमर बाइक थी। तो ग्लैमर क्या थी, वो भी बाइक थी, चलती वो भी अच्छे से थी, काम अपना हो जाता था। फिर मैंने एक होंडा अचीवर आई थी उस टाइम पे, 5 गियर की, तो हमने बड़े उसमें क्रेज में हमने होंडा अचीवर को लिया, काम वो भी करता था। लेकिन उसके बाद फिर अभी मैंने इसका क्या रॉयल इनफील्ड का मेट्रोल लिया, तो ये उन दोनों के कंपेयर में ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स दे रहा है। मतलब जितना अच्छा बाइक ले लिया उतना ज़्यादा राइडिंग करने में मज़ा आ रहा है। तो सेम लैपटॉप में भी है कि लैपटॉप चला तो सकते हो तुम 2 GB रैम और 2 GB ग्राफिक्स कार्ड से भी, लेकिन इन्जॉय तब करोगे उस काम को जब आप हाई कॉन्फ़िगरेशन पे। तो आपको बताता हूँ एक स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, 8 GB रैम होना चाहिए, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब 8 को अगर आप 16 कर लेते हैं आप और इन्जॉय करेंगे, क्योंकि आपकी बाइक सुपर बाइक हो जाएगी, और 8 को अगर आप 4 करते हो तो थोड़ा और स्लो रहेगा सिस्टम, ठीक है। लेकिन काम आपका 2 GB ग्राफिक्स कार्ड 2 GB रैम से भी हो जाएगा, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको एक सजेशन दूंगा कि, क्योंकि अभी भी मैंने भी लैपटॉप लिया है, तो आप पैसे जोड़ते रहना, जैसे आपके पास पैसे का एक बैकअप आता है अच्छा से अच्छा लैपटॉप लेना। अब अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है, 8 GB ग्राफिक्स कार्ड और 16 GB रैम या फिर 32 GB रैम लगा दो और मज़ा आएगा। बट ये कोई अभी ख़रीदना मत, जॉब करना, पैसे कमाना, उस पैसे से लेना तब अच्छा रहेगा। अभी तो सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा करने से मज़ा आता है। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक पूछना था, वो डायनामो बोल के एक सॉफ्टवेयर है, वो मतलब बीम में ही यूज होता है ऐसे सुना था खाली, मतलब इस सेशन मतलब क्लास में कवर होगा क्या? वो देखो कैसा था कि डायनामो को हम पेड, वो पेड होता है पूरी तरीके से, सो उसको हम लोग यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा डायनामो पे वो मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि वो भी करवाएंगे नहीं आपसे, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे क्या डायनामो होता है, डायनामो किस तरीके के क्वेश्चन पुट अप करेंगे, वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन किसी के पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर तो है नहीं, क्योंकि लाइसेंस सॉफ्टवेयर की प्राइस है 1,80,000, ठीक है ना। तुम खरीदोगे ना हम खरीदेंगे, ठीक है, हम तो चलो खरीद भी लेंगे, तुम्हें इन द सेंस सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी, इसलिए हम आपको डायनामो क्या होता है प्रोसेस बता देंगे, डायनामो वर्क कैसे करता है ये भी प्रोसेस बता देंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। जैसे कि बीम 360, अब बीम 360 क्या होता है कि एक रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर, रैबिट एमवीपी तीनों अपने अपने घर में बैठ के काम कर सकते हैं। मतलब तुम अपने घर से काम करो, तुम अपने घर से काम करो, मैं इधर मैनेजर हूँ, मैं आराम से बैठ के देख रहा हूँ, ठीक है, ये काम होता है 360 का। लेकिन अब बीम 360 का पहले तो लाइसेंस लेना पड़ता है, तो मैं इसके जगह पे आपको कैसे सिखाने वाला हूँ बीम 360, या फिर कैसे मैं सिखाया हूँ, ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, आपको लेक्चर मिलेगा। मैं लोकल होस्ट बना दिया हूँ, लोकल होस्ट मतलब आपके सिस्टम में ही 3 यूज़र बना दूँ और उन तीनों यूजर आपस में काम कर लो, आइडिया लग गया ना कि मुझे कैसे काम करना है। तो 3 यूजर बैठे रहेंगे, 3 यूजर मतलब तुम ही 3 रहोगे, तुम्हारे डेस्कटॉप में तुम 3 रैबिट खोल लो या फिर 2 रैबिट खोल लो और एक रैबिट पे काम करो, दूसरा पे चेंज होगा, एक पे काम करो दूसरे पे ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। तो इसी को बोलते हैं बीम 360 कॉन्सेप्ट, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और करके भी दिखाया है, बट लोकल होस्ट पे उसको बीम 360 को लाइसेंस आप खरीदोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा फालतू का, समझा क्या? और माहिर कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ एकदम से नहीं समझ आया तो बताना कि यार कुछ समझ ही नहीं आया क्या होता है बीम, कुछ ऐसा है क्या? स्टार्टिंग में एज अ बीम मॉडलर काम करना होगा, एज अ बीम मॉडलर काम करना पड़ेगा, और हो सकता है बीम ड्राफ्टमैन का भी काम करना पड़े, और जो नीचे से जाता है उसके लिए बड़ा अच्छा होता है। मैं पहले बीम ड्राफ्टमैन के जॉब पे था, फिर मैंने क्या बोलते, मतलब सबके साथ ऐसा होता है कि आपको हो सकता है बीम ड्राफ्टमैन का काम हो या फिर बीम मॉडलर का काम हो, और लगभग दोनों का काम एक ही रहता है, बट ड्राफ्टमैन के पास ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है क्योंकि करना क्या है। बीम मॉड्यूलर को इंजीनियर नहीं मिलेगा, उसको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बीम ड्राफ्टमैन है उसको एक एक्सेल, सॉरी पीडीएफ मिल जाएगी
ये पीडीएफ को ड्रॉ करो, ठीक है। स्कैन टू बीम सुना होगा तुमने, आगे थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करूंगा उसके बारे में, ठीक है। तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ देख के अपना स्ट्रक्चर को पूरा तैयार करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा हैक्टिक कम रहता है इसमें, डेफिनेटली सैलरी भी कम रहती है, जितना हैक्टिक काम करोगे उतना सैलरी आपकी बढ़ेगी, समझा क्या? बेसिकली लैंड सर्वेयर, हाँ हाँ, वो भी वो सिविल 3D यूज करते हैं उसके लिए, और इसके लिए रैबिट यूज करते हैं। सर एक सवाल था, समटाइम कंपनी जो रहती है ना वो AR और VR मेंशन करती है, क्या मेंशन करती है? AR और VR, VDS, VDS होता है ना सर, विजुअलाइजेशन, जो रिकंस्ट्रक्ट कंपनी मेंशन करती है सर, VDS ओपनिंग या ओपनिंग फॉर सिविल इंजीनियर। एक होगा वर्चुअल रियलिस्टिक होगा, एक आर्टिफिशियल रियलिस्टिक होगा, ये मेंशन किया होगा। करेक्ट। वर्चुअल और क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल में अंतर क्या है, वर्चुअल में सिर्फ हमने 3D दिखा दिया एग्जैक्टली, ठीक है, और आर्टिफिशियल में कैसे होगा कि हम प्रॉपर बना के तुमको एकदम एनिमेट करके दिखा देंगे कि एग्जैक्टली यार ऐसा तुमको फील होने वाला है, ठीक है। तो वो उसका एडवांस वर्जन तुमने सुना होगा, लुमियन वगैरह, ठीक है, और या फिर नेविसोर पे भी कर सकते हो, बट लुमियन उससे भी हाई रेट का होता है, तो जो थोड़े और एक्सपीरियंस होने लगते हैं तो लोग लुमियन में करने लगते हैं, उसको कुछ कराता नहीं है, जो रियलिस्टिक आपने बनाया हुआ है उसको लुमियन में इम्पोर्ट कर देते हैं, और इम्पोर्ट करने के बाद फिर उसको एनिमेट कर देते हैं, और कुछ नहीं रहता है, जो 3DS Max पे भी कर सकते हो, समझा क्या? ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी का? शुभम कोई क्वेश्चन है? सर ग्राफिक कार्ड जो है अपन का RTX या GTX, अपन दो आते हैं, तो RTX में GTX में अगर अपन लेते हैं तो अपन को कौन सी सीरीज में लेना चाहिए? NVIDIA, GTX का NVIDIA अच्छा रहता है, ठीक है, तो NVIDIA का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है और काफ़ी पुराना है इसलिए अच्छा भी चलता है, और मैं इसका शेयर होल्डर भी हूँ। तो सपोज अभी मेरे पास GTX का 710 सीरीज का है, सपोज मैं 4GB पे अभी शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ, तो लाइक 1050 तक का मैंने सोचा है कि GTX 1050 लेना है, तो वो बेस्ट रहेगा या फिर कोई दूसरी सीरीज देखूँ? देखो इस समय अगर मतलब कि तुम लैपटॉप चेंज करने वाले हो ऐसा? नहीं सर मेरा PC है। अच्छा PC है, नहीं तो GTX तो अच्छा परफॉर्म करा क्योंकि मेरा भी GTX है, ठीक है, तो GTX का ही अगर एडवांस वर्जन लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग यार यही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं यही यूज कर रहा हूँ और प्रॉपर काम हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। HP Pavilion सीरीज मेरा लैपटॉप है, इसमें GTX मैंने यूज़ किया अपना, ठीक है, क्योंकि मैं दूसरा यूज़ नहीं किया तो मैं बता नहीं सकता हूँ, दूसरे लैपटॉप मेरे उसमें भी शायद GTX ही था, ठीक है, तो ये सीरीज अच्छा है तो इस पर ही तुम काम कर सकते हो। बाकी थोड़ा अगर यूट्यूब पर सर्च करना तो कर लेना, ठीक है, और लेकिन मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ आपको। हाँ चलो सर एक डाउट था मेरे को कि जो आर्किटेक्चरल और जो इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म होते हैं क्या वो भी सर ये रैबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर हो गया, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब यूज करते हैं वो लोग? करेक्ट, इसी से तो करते हैं वो, जो खासतौर से जो इंटीरियर वाले हैं उनका पहला प्रेफरेंस होता है कि वो 3DS Max यूज करें, ठीक है, क्योंकि इंटीरियर का जो काम होता है वो 3DS Max में ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरा उनका प्रीफिक्स रहता है कि स्केचअप करें, और तीसरा रहता है रैबिट। और जो आर्किटेक्ट होते हैं, ये मैं इंटीरियर डिजाइनर की बात किया हूँ, इंटीरियर डिजाइनर का पहला प्रायोरिटी रहता है 3DS Max क्योंकि वो सबसे हाई है उनके लिए, उसके बाद स्केचअप क्योंकि इंटीरियर में स्केचअप में अच्छे से हो जाता है, और तीसरा होता है रैबिट। ये तो हो गया आर्किटेक्ट की चॉइस, सॉरी इंटीरियर डिजाइनर की चॉइस। अब आर्किटेक्ट की चॉइस क्या रहती है, सबसे पहला चॉइस आर्किटेक्ट और मॉड्यूलर की रैबिट होता है, इसीलिए तुमने सुना होगा रैबिट सबसे ज़्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है, तो सबसे पहला क्योंकि इसमें ना एक्यूरेसी रहती है, प्लस इसके अंदर रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर, रैबिट MEP तीनों है, तो अगर तुमको बीम में ग्रोथ करना है तो रैबिट पे ज़्यादा हाथ बैठाओ, और बाकी इसके बाद दूसरा तो स्केचअप पे कर सकते हो बट रैबिट बेस्ट है। तो सर जैसे हमने रैबिट पे अच्छे से कमांड लिया और बाकी अदर सॉफ्टवेयर पे अच्छे से कमांड आ गया अच्छे से, तो हमारी आर्किटेक्चरल फर्म में भी हम जॉब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एट द लास्ट टाइम क्या होता है, देखो अभी तुम्हें 2-4 साल 5 साल तक ऐसा लगेगा कि यार इस प्रोफाइल में ही हमको काम करना है, उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि तुम्हें लगेगा कि मुझे पैसे अर्न करने हैं, ठीक है,
और अच्छा मतलब अगर इंजीनियर मैं बोलूँ आज के टाइम में अच्छा जो है वो है जो एक डोमेन में अच्छा नॉलेज लेने के बाद उसको कोशिश करे कि अब इसको एंटरप्रेन्योरशिप में बदल दे, ठीक है। और बीम इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत आसानी से इसमें एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो। कैसे, इसमें न तो ज़्यादा लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, आपको बहुत नॉमिनल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, इसका काम बहुत आसानी से मिलता है। आप किसी भी आर्किटेक्ट के पास जाओगे वो बोलेगा हाँ यार बीम का काम बहुत है, मॉडलिंग का काम मेरे पास बहुत है। और आप नए लड़के भी रखोगे उनको थोड़ा ट्रेंड कर दो, आप काम कर सकते हो। बट ये हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा पहला प्रायोरिटी जॉब है। जॉब सबको करना चाहिए, उसका करने का कई रीजन्स होते हैं। सबसे अच्छा रीज़न ये होता है कि जॉब से मैं प्रोसेस समझ में आता है। आज मैं जो बोल पा रहा हूँ, जो भी मैं यूट्यूब पे इतना आज तक मैंने कभी पढ़ के नहीं बोला होगा, मतलब कभी भी नहीं पढ़ के बोला होगा, तो उसका रीज़न क्या है कि मैंने जो 7 साल अपने लगाए हुए अपने करियर के, इसमें सब सीख लिया है मैंने। मैंने HR का भी काम सीख लिया कि प्लेस कैसे करते हैं लोग एक दूसरे में कंपनी में, ये भी सीख लिया कि मॉडलिंग का काम कैसे करते हैं, मॉडलिंग कराते कैसे हैं दूसरों से, तो ये सारे प्रोसेस कैसे है कि इसको अगर हम एंटरप्रेन्योर के भाषा में देखें तो ये फ्यूचर ये बहुत लंबा जाता है। बट अभी मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि आप सब जॉब पे लग जाओ। कई लोग सोचेंगे कि सर पूरा ट्रेनिंग कर लें तब जॉब करें, तो एक गलत वर्ड बोलूँगा कि वो बेवकूफ़ है। क्यों? क्योंकि अगर आप आज सपोज आज आप जॉब आपकी लग जाती है तो आपके 4 महीने की जो सैलरी होने वाली है, मतलब आज आपकी अगर मंथली सैलरी 20,000 रुपये मान के चलिए, तो 4 महीने में आपका 80,000 रुपये का इनकम हो जाएगा। और अगर वो 4 महीने आपका लॉस जाता है तो 80,000 रुपये का लॉस हो रहा है। सोचो 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हो एक ट्रेनिंग में और आपको 80,000 का बेनिफिट हो रहा है, ये ज़्यादा बेटर है। तो कोशिश करना है जितना जल्दी जॉब लग जाए कर लो, साथ में तुमको ट्रेनिंग करना है तो करते रहो कंटिन्यू, क्योंकि ऑफकोर्स लेक्चर तो सबको मैं कल दे देने वाला हूँ, सबको बीम का लेक्चर कल मिल जाएगा जो यूनिक्सिविल ऐप पर है, तो पढ़ते रहो। लेकिन कोशिश करो कि कल ही जॉब लग जाए। अब अभी बोलोगे सर पॉसिबल नहीं है, यस कल इन द सेंस 1 हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन 20 दिन 25 दिन में हमको जॉब ले लेनी है और जॉब लेके काम करना है। क्यों इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि रैबिट मॉडलिंग में जॉब जल्दी मिल जाती है गाइस, और ये आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। रैबिट सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको आज ही भेज दूंगा और ऑटोकैड का भी आज ही भेज दूंगा, आप लोग अपने अपने लैपटॉप में कर लेना। परेशान मत होना, सॉफ्टवेयर बहुत परेशान करता है, कभी काम नहीं करेगा, कभी इंस्टॉल नहीं होगा, तो एकदम ये पेशेंस रखना, धैर्य का काम है। ये नहीं हो रहा है दोबारा करेंगे, दोबारा भी नहीं हो रहा है दूसरा वर्जन करेंगे, ये नहीं कि ग्रुप में अरे सर नहीं हो रहा है। बहुत परेशान करता है सॉफ्टवेयर, तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, सीखते हैं हम उससे। यूट्यूब पे देखो, हाँ उस टाइम पे नेट डिसकनेक्ट करके रखना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ जैसे कि मान लो रैबिट 2020 किसी में सपोर्ट नहीं करेगा, किसी में रैबिट 2018 नहीं सपोर्ट करेगा, तो आपको चेंज भी करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको झेलना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आज ट्रेनिंग क्यों ले रहा हूँ 17 को, जिससे कि 20 तक एटलीस्ट आपका ऑटोकैड तो इंस्टॉल रहे, और 20 को आपको दे दूंगा रैबिट, जिससे कि आपका जब तक 15 दिन 10 दिन चलेगा ऑटोकैड तब तक वो तैयार रहेगा, ठीक है। तो इस बस इतना ही आपसे आज बात करनी थी, चलिए मिलते हैं आपसे क्या बोलते हैं 20 को। कोशिश मेरी ये रहेगी 19 को फिर से मुलाकात होगी आपसे, एक बार ऐप पर हम लोग लेक्चर लेके देख लेंगे कि ऐप पर लेक्चर कैसे अटेंड करना है, आपको आइडिया लग जाए। हाँ बोलते बोलो, ये जो ऐप है ना, ऐप के जो वेब में देख नहीं सकते सर, वेब सीरीज में ऐप को वेब में नहीं, मतलब लैपटॉप में नहीं देख सकते ऐसा? हाँ देख सकते हैं, हम लिंक शेयर करेंगे उसका भी। ऐप को लैपटॉप में कैसे देख सकते हैं उसका भी लिंक हम आपको शेयर करेंगे। नहीं नहीं पहले वाला था ना मेरा, तो जो बीम का, हाँ हाँ उसके देखने की कोशिश किया था फिर भी नहीं। तुमने मेल नहीं चेक किया? मेल पर मैंने एक लिंक भेजा हुआ है। ओ ठीक है, चलो मैं इधर बता देता हूँ, अभी जब करिए तुम उसी लिए बता देता हूँ। चलो और किसी क्वेश्चन पूछ सकते हो, माइक ऑन किया है तुमने, पूछ लो सर। हाँ बोलो। ये सॉफ्टवेयर जो है रैबिट अभी, हाँ। ये ट्रायल वर्जन पे रहेगा या फिर इसके सीरियल कीज वगैरह भी आप प्रोवाइड करेंगे? सीरियल की सब कुछ रहेगा, उसमें एक वीडियो रहेगा, उस वीडियो के में सब कुछ दिया रहेगा कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैं सब कुछ बना के दूंगा जिससे आपको कम से कम असुविधा हो, ठीक है, चलेगा। और बाकी पेशेंस रखना, टाइम लगता है इंस्टॉल होने में, तो वही वो नहीं कि अरे यार नहीं हो रहा क्या करें। चलो अभी देखो ऐप को कैसे लैपटॉप पे चलाना है, ऐप तो सबके पास हो गई। लैपटॉप पे चलाने के लिए आपको जस्ट अभी इन्होंने पूछ लिया बता देता हूँ, यहाँ लिखना है web.classplusapp.com, बस इतना सिंपल सा लिखना है, web.classplusapp.com बगता लिखना है, उसके बाद इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद अब ऑलरेडी मेरा तो खुला हुआ है,
आपको क्या पूछेगा, आपको पूछेगा बैच कोड सॉरी ऑर्गेनाइजेशन कोड, तो ऑर्गेनाइजेशन कोड आपको डाल देना है OBHQH। सपोज मैं 2 मिनट के लिए लॉग आउट कर देता हूँ। अब अगर मैं इस समय वक्ता तो चलो नहीं, किसी का भी नंबर डाल दो। ये देखो ऑर्गेनाइजेशन कोड क्या डाला है, OBHQH। मेरा जो दूसरा नंबर है वो मैं यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, अगर मैं कर दूँ तो ऐसे करूँगा। अब मैं अपना मोबाइल को एक्टिवेट कर लिया क्योंकि मोबाइल में OTP जाएगा। तो मैं जैसे ही मोबाइल पर ऐसे कर रहा हूँ, ये जस्ट आपको अवेयरनेस के लिए बता दे रहा हूँ कैसे चलाना है। तो अभी मेरे पास OTP आने वाला है, कॉल भी आने लगता है, तो OTP रुक जाएगा क्या। OTP तुरंत डालना पड़ता है इसलिए जल्दी से भाई कॉल वाले मत करो परेशान, मेरे पास कॉल ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए OTP भी लेट हो रहा है। जैसे OTP आएगा तुरंत यहाँ पर डाल देना पड़ेगा। एक मिनट कॉल कट कर दो, ये आ गया OTP मेरे पास। अब OTP को यहाँ पर डाल देना, मेरा OTP है 2155, आपका भी ऐसे आएगा, ये वेरीफाई हो गया और इस तरीके से हो जाएगा। और अगर इस तरह लैपटॉप पर खुल गया, अब तुमको देखना है कि तुम्हारा कौन सा लेक्चर है, तो तुम यहाँ कॉर्नर में जाना और प्रोफाइल में चले जाना। प्रोफाइल में जाके अभी तो जो मैं ऐड करूँगा वो बैचेस आपका यहाँ रहेगा, मतलब जिस बैच में मैं ऐड हूँ वो बैचेस ये हैं। तुम्हें ऐड करूँगा इस बैच में, मैं ऑटोमेटिक कर दूँगा। और कोर्सेज जो तुमने परचेस किए होंगे, मैंने तो नहीं किए शायद, तुमने जो कोर्सेज परचेस किए वो यहाँ पर आ जाएगा, तुम्हारा BIM का वक्ता, तो क्लिक करके वॉच करना है। समझ आया क्या वक्ता, तुम्हारे लिए बताया, समझ एक बार कोड फिर से बता दीजिए। ओके ओके चलिए, मैंने वही किया था सर, फिर रन नहीं हुआ ना प्लस, ये तो वीडियो वीडियो नहीं देखते देख सकते हुए वार्निंग को आ रहा था। अच्छा मतलब तुम्हारा नंबर बताओ कि मैं इधर एक्सेस कर सकता हूँ, तो जो नंबर रजिस्टर्ड है बताओ। रजिस्टर नंबर 98 नेपाल का है सर। वो कैसे ओपन करते हो फिर तुम लोग? नेपाल का है कि नेपाल का प्लस 977 अगर वहाँ पर। हाँ तुम ये तो यहाँ पर तो पढ़ नहीं रहते, कैसे डालते हो? किसी और ने कोई एक्सेस लेक्चर लिया है? कमेंट करो अपना नंबर, किसी ने लेक्चर, हाँ नहीं कोई और बच्चा है जिसने अटेंड लेक्चर लिया हो तो वो अपना मोबाइल नंबर ऐड यहाँ कमेंट करना, किसी ने तो किया होगा ना। सर ईमेल आईडी से नहीं खोल सकते उसको? चलो मनीष खोल सकते हैं, खोल सकते हैं मनीष। हाँ मनीष ने, मनीष मुझे बस OTP बताना। ये देखिए अभी OBHQS डाला मैंने, मनीष का मोबाइल नंबर डाला क्योंकि शायद इन्होंने कोई कोर्स परचेस किया है। प्रोसीड सिक्योरली कर लेना, ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पर OTP मनीष देखो गया गया होगा, मनीष OTP गया है क्या? हाँ 4571 इनका OTP आ गया है। अब देखो इनका लेक्चर आ गया। अब इन्होंने क्या लिया हुआ है, इन्होंने BIM लिया हुआ है, बस इस पर क्लिक कर देना है। और ये देखो यही तो तुम्हारा भी है वक्ता कंटेंट। अब सपोज ऑटोकैड का, जैसे कि आज जो इनको अभी स्टार्ट करना है ऑटोकैड स्टार्ट करना है, तो दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड। चल तो रहा है वक्ता, लगा के आराम से सुन लो। 2016 ओके आई ट्राई। ओके ओके सर मैं ट्राई करता हूं अभी। चलेगा, चलो ये भी क्लियर हो गया। एक अच्छी चीज़ तुमने पूछ लिया। हाँ दूसरी चीज़, अभी जो हम लोग लेक्चर अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये सारा कुछ एक सेपरेट चैनल है, इसमें कोई है नहीं, कोशिश करेंगे प्राइवेट ही रहे, ठीक है, इन फ्यूचर का पता नहीं, बट अभी के लिए सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल करके एक चैनल है, यहीं पर तुम्हारा वीडियो रहेगा। और तुम्हारे जो वीडियोज़ हैं कुछ लोग देख पाएंगे कुछ लोग नहीं देख पाएंगे, जिसके पास लिंक रहेगा वही देख पाएगा। कुछ वीडियो पब्लिश रहेंगे, कुछ वीडियो ऐसे रहेंगे जो जैसे कि प्राइवेट वाले जो आपको हमारे अपने इंटरव्यू वगैरह हैं वो सब पर्सनल रखेंगे, तो वो यहीं पर सब कुछ मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल पे, रिकॉर्डिंग तुमको मिल जाएगा। तो इससे क्या रहेगा, तुम यहाँ आके अपना वॉच भी कर सकते हो, बस लिंक अपने पास रखना बस। क्योंकि अगर मैंने अनलिस्टेड करके डाल दिया तो क्लाउड तो इन्हीं का रहेगा लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं जब तक तुम्हारे पास लिंक नहीं रहेगा, और लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। और जो प्रैक्टिस करने के लिए जो मेल आईडी है वो ये है, अभी जो मेल आईडी आपके सामने खुला ये है, इसमें क्या होता है, मैं इस मेल आईडी से आपको मेल कर दूंगा, गुरुकुल सिविल इंजीनियर civilengineering@gmail.com। इसी पर सारे असाइनमेंट्स भेजने हैं और इसी पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा, तो ये सेपरेट है आपका। हाँ जी बोलिए सर। एक डाउट था कि कोई भी अगर एक मतलब आर्किटेक्चरल फर्म से रिलेटेड सर एक डाउट है फिर से। हाँ बोलो बोलो। तो अगर वो एक BIM मॉडलर का ही अगर एक रिक्रूट करना चाहता है किसी को, हाँ, और एक बी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किसी ने किया हुआ है और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किसी ने किया हुआ है, करेक्ट बीटेक,
तो सर दोनों ने अगर रेविट अच्छे से सीखा हुआ है, दोनों का कमांड अच्छा है उस पे और बाकी अदर्स भी सॉफ्टवेयर उन दोनों ने सीखे हुए हैं, तो सर आर्किटेक्चरल फर्म किसको प्रेफरेंस देगा? देखो आर्किटेक्चर फर्म में केवल अगर आर्किटेक्चर का काम हो रहा है स्पेशली, ठीक है, तो पहला प्रायोरिटी उसका होगा कि वो बीआर वाले को फाइनल करेगा, पहला प्रायोरिटी। लेकिन अगर उसके पास एक्स्ट्रा वर्क्स भी होते हैं, एक्स्ट्रा वर्क मतलब उसके यहाँ पर रेवी स्ट्रक्चर का भी काम अगर है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली एक कंपनी केवल एक चीज़ पर नहीं टिक सकती। ब्रदर अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल स्टार्ट किया हूँ तो मैं केवल इसी से पूरे लाइफ को नहीं काटने वाला हूँ, ठीक है, हमारा अपना कंस्ट्रक्शन का भी काम है। तो मैं अगर किसी को हायर करूँगा, अगर मैं किसी के अंदर क्वालिटी देखूँगा तो वो देखूँगा कि तो लोगों को ट्रेनिंग भी दे पाए, ऊपर से ये भी देखूँगा कि वो हमारा ऑफिस का भी काम संभाल पाए, डिज़ाइनिंग का भी काम कर पाए। तो मेरी पहली प्रायोरिटी हो जाती है सिविल इंजीनियर, अगर मेरे पास मल्टीपल वर्क है तो, और सिर्फ आर्किटेक्ट का काम है तो डेफिनेटली पहला प्रायोरिटी वो होगा। मतलब एक सर सिविल इंजीनियरिंग के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट भी हैंडल कर सकते हैं। देखो क्या होता है, डिजाइनिंग के साथ एग्जीक्यूशन हर वर्क में देखने पड़ता है, अगर एग्जीक्यूशन नहीं देख पा रहे हो मतलब करने की जरूरत नहीं है। अभी आज के टाइम में लोगों ने ट्रेंड क्या बना दिया है, ठीक है, अभी मैं कुछ लोगों का यूट्यूब वीडियोज देख रहा था, ट्रेंड लोगों ने क्या बना दिया है कि अगर एक सिविल इंजीनियर है तो वो धूप में 40 डिग्री टेम्परेचर पर खड़ा रह सके, यही उसको अपने अंदर मजबूत करना चाहिए। ये सबसे बेवकूफ़ी वाला आंसर है, ठीक है, हम लेबर नहीं है, हमारा काम है इंस्पेक्ट करना, जांच करना काम सही हो रहा है कि नहीं, प्लस काम को गाइड करना। ये नहीं कि 40 डिग्री टेम्परेचर पर हम सुबह से शाम तक खड़े रहें, रात को 11 बजे घर आए, समझ गए? तो इसमें सिविल इंजीनियर को पहली प्रायोरिटी होती है। ठीक है, चलेगा। और किसी कोई क्वेश्चन पूछो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, लेबर हाँ बोलो। हमें तो पहले तो बीम का कोर्स था ना, उसका टाइम कितना लगे हुए था? लाइफ टाइम ना, हाँ शायद वो कोर्स मेरे में नहीं दिखाई रही सर। अभी तुम्हारे में क्या दिखाई दे रहा है? अभी बैचेस में वो डाउट लेक्चर बैचेस में, कोर्सेस में कोर्सेस में कुछ भी नहीं दिखाई रहे सर। अभी तुमने कोर्सेस क्या ऐप से लिया था कि वेबसाइट से लिया था? मेरा तो ऐप में तो था सर, आप ही ने वो ऐड किया था ना। समझ गया। तुम्हारा एक्चुअली तुमने वो पुराना जो यूनिसिविल का वेबसाइट था वहाँ से तुमने लिया होगा ना, और फिर मैंने तुमको ऐप में ऐड कर दिया होगा, ऐसा हुआ है क्या? राइट, आप ओके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कल तुमको मिल जाएगा वो। तो इसीलिए वो मोबाइल पर नहीं चल रहा, मोबाइल पर चल रहा होगा, यूट्यूब लैपटॉप पर नहीं चल रहा होगा, राइट? हाँ, तो कल हम तुमको दे देंगे स्टोर में कैसे एक्सेस करना है। तो कल लगभग लगभग सबको ही कॉल करूँगा एक एक टाइम पे, तो आप अपना जस्ट एक OTP बताएंगे, मैं इधर से आपको पिन करता जाऊँगा कि आपको लेक्चर असाइन करता जाऊँगा, मतलब कल शाम तक। हाँ मुझे समझ गया मैं, तो एक्चुअली वो ना स्टोर से तुमको लेना पड़ेगा, तो स्टोर से कैसे लेना है वो मैं अपने एंड से बताऊँगा। तो सबको ही कॉल करके एक एक करके मैं करवा दूँगा, कल शाम तक या परसों तक सबके पास भीम का पूरा लेक्चर आ जाएगा, ठीक है? ओके सर, चलेगा। ओके, अगर बीटेक में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का ऑप्शनल रखे हैं तो एक्सेप्ट स्ट्रक्चरल और डीओएस, इज देयर एनी प्रॉब्लम आई हैव टू फेस इन फ्यूचर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या बोलते हैं, अगर एक बीम इंजीनियर है तो वो अगर उसको स्ट्रक्चर का नॉलेज है तो ये तो उसके लिए एड्स ऑन है। ओवरऑल तो आप बिल्डिंग का ही काम कर रहे हो ना निशान, तो ये तो आपके लिए एड्स ऑन है कि आपको स्ट्रक्चर का भी नॉलेज है। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आप कल को डिज़ाइन बना रहे हो तो इतना गंदा डिज़ाइन नहीं बना दोगे जिससे आर्किटेक्ट लोग कभी कभी करते हैं, ठीक है, हम लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं। कैसे, आर्किटेक्ट इतना ज़्यादा उसको सजा देता है कि वो स्ट्रक्चर जब उसकी कॉलम को देखने लगो ना, आप जैसे मान लो कि तुमने हॉल दे दिया बड़ा सा, ठीक है, अब कल एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा था उसका कुछ 7 मीटर बाई 8 मीटर का हॉल था। अब 7 मीटर किसको बोलते हैं? अब उसके बीच में बोल रहा है कि बिना कॉलम के हम उसको क्या बोलते कर सकते हैं क्या, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ना। आप कॉलम का साइज बहुत नहीं, उसने बोला था मिडिल में कॉलम ना आए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर स्ट्रक्चर का नॉलेज आपके पास है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, कोई निगेटिविटी नहीं है। इवन आपको स्टेट प्रो आता है कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज प्लस पॉइंट, बट कंपनी को नहीं दिखाना है, कंपनी को दिखाना है कि हम प्रॉपर डेफिनेटली। हाँ जी बोलो। हाँ सर, मतलब मैं कह रहा था कि स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट्स मैंने ऑप्शन में निकाल दिए, मतलब ये दो ही सब्जेक्ट्स मैंने स्ट्रक्चर्स में बटे हैं, मतलब ऐसा बोल रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो देखो, ये तुम अगर दो सब्जेक्ट पढ़े हो फिलहाल तो यही दो मेन है तुमको ही पता है, ठीक है, तो इसका कोई तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है। बस तुम्हारा मेन फोकस होगा पोर्टफोलियो,
जो कि हम कल परसों दिखाएंगे कि कैसे पोर्टफोलियो कहाँ तक पहुँचना है अपने आप को, ठीक है। तो अभी जब जब हम लोग इंटरव्यू को ले जाएंगे तो पहले अपना सामने रिज्यूम रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे कवर लेटर और उसके नीचे रखेंगे पोर्टफोलियो, इसके बेस पर देंगे हम लोग इंटरव्यू, समझ गए, ठीक है। तो उसका कोई टेंशन मत लो, पहले कर सर अगर स्ट्रक्चर सीख लेते हैं करेक्ट तो बिम के अंदर अपन का कितना इम्प्रूवमेंट होगा? देखो फिलहाल तो दोनों को अगर देखो तो अलग अलग हो जाएंगे, बट उसमें इम्प्रूवमेंट ये आएगी कि तुम्हें अगर कल को तुम अपना काम करते हो तो तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा इजी पॉइंट बनता है, क्योंकि तब तो तुमको पता रहता है कि हम डिज़ाइन ऐसे ही डिज़ाइन करें, मतलब मॉडलिंग कर रहे हो ऐसे मॉडल करो कि जो पॉसिबल हो पाए, ठीक है। तो वो चीज़ का नॉलेज मिल जाता है अगर हमारे पास स्ट्रक्चर का नॉलेज है तो, और वो तो इतना तो सबको ही रहता है ब्रदर। तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो ना? यस सर। हाँ तो तुम्हें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कोई इतना आइडिया लग जाएगा कि कितना स्ट्रक्चर वर्क हमें रिक्वायर्ड होता है। अभी तो तुमको एक बस यही सजेस्ट करूँगा अपना करियर बनाने के लिए कि रेविट को खूब अच्छा कर लो, एक जॉब फिक्स हो जाएगी तुम्हारी। ओके सर। हाँ सर एक बात पूछनी थी, अभी मैं जहाँ पर इंटर्नशिप चालू है मतलब इंटीरियर की है वो कंसल्टेंसी, बट अभी पूना शिफ्ट होना है, मैंने एक दो जगह पर रिज्यूम भेजा, मतलब मेरे फ्रेंड के रिलेटिव ही थे उनका ऑफिस में वैकेंसी थी, वो बोल रहे थे मतलब 8000 तक ही 3D को पे करेंगे, मतलब इतना कम होता है 8000 3D को, क्योंकि फिर आपका काम उस लेवल का होगा। हमारा काम डिसाइड करता है कि अब पहली बात तो तुम ऐसे कंपनी में जा रहे हो जो कि बहुत छोटी है, क्योंकि तभी वो डायरेक्ट अप्रोच वहाँ पर लग पा रहा है, ठीक है। तो जिस कंपनी का जितना टर्नओवर होगा उसके बेस पे तुम्हारी सैलरी डिसाइड होती है। अगर तुम हाँ बोलो, मेरी फ्रेंड को सर ऑटोकैड पर 12000 की जॉब है अभी फिलहाल, 2 महीने पहले ही उसकी ज्वाइनिंग हुई, अभी मुझे उसको 3D भी नहीं आता, मुझे 2D भी आता है, 3D में खाली रेंडरिंग में प्रॉब्लम है। अपना आंसर तुमने खुद से दे दिया। हाँ अपना आंसर तुमने खुद से दे दिया। क्या आंसर दिया तुमने कि 3D पे हमको काम मिल रहा है 8000 रुपये पे और 2D पे हमारे फ्रेंड को मिल रहा है 12000 रुपये, तुमने खुद से आंसर बोला ना इसका, समझ में आया आंसर क्या है? नहीं। ठीक है, आंसर इसका ये है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि 3D बनाने वाले को कम मिले 2D बनाने वाले को ज़्यादा मिले, तो इसलिए वो कंपनी की प्रॉब्लम है कि कब तुम ऐसी कंपनी चूज कर रहे हो जो कंपनी का बजट ही इतना है कि वो उतना पे कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज जब 2D पे करने वाले को 12 मिलेगा तो 3D पे करने वाले को 15 तो मिनिमम मिलना ही मिलना है। हाँ वही तो लग रहा था, मतलब इतना कम यहीं पे मुझे 10 तक दे सकते थे सर, वो मतलब उदगीर में हूँ, पूना से बहुत छोटी सिटी है वो। करेक्ट, तो तुम यही से आइडिया लगा लो कि कंपनी की प्रॉब्लम थी। एक छोटा सा चीज़ सबको गाइड करना है, सब लोग को मैं रिज्यूम का फॉर्मेट दे रहा हूँ, सुदाम आप बोल सकते हो जो भी बोलना है। सर मैं मेरा हाँ कैसे कहें हाँ हाँ है चलेगा, मैं इन लोग को इन्फॉर्म कर, वैसे मैंने कल वीडियो भी बनाया था कैसे पे कल या परसों में ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इंटर्नशिप भी चल रहा है ना वहाँ पे? उनके जो MD हैं उनसे हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन है, व्हाट्सएप पे हमारा उनसे बात होता है, तो फिलहाल तो मैं रिज्यूम करवा दूंगा इन लोग का और फिर इनको बता भी देता हूँ। चलिए अच्छा, थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब थोड़ा सा सुदाम ने, और देखो इन दोनों का CV मैंने बनवाया और इसमें से शुभम तो अपने से बना लिए थे बट शायद आज ही बनाया शुभम ने, करेक्ट। ये दो CV के फॉर्मेट हैं जिसको आपको फॉलो करना है, सबके लिए है ये, ठीक है। पहला फॉर्मेट सुदाम का है, तो ये सुदाम ने जो बनाया है पहले बनाया था, तो इन्होंने जैसा बनाया है सेम टू सेम आपको बनाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है आपको, एकदम प्रॉपर ऐसे बनाना है अपने रिज्यूम को। एडिटिंग जो रहेगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या एडिटिंग रह सकती है, आपका जो भी नॉलेज है इसके बेस पे एडिट करिए। और कुछ लोग इस तरह बनाएंगे, कुछ लोग इस तरह बनाएंगे, सेम टू सेम नहीं बनाएंगे। कैसे होता है कि आपको एक ही कंपनी में सबको अप्लाई करना है, सेम टू सेम बनाओगे शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आएगी, तो कुछ लोग वैसा बना सकते हो, कुछ लोग इस तरीके से अपना बना सकते हो, ठीक है, जैसे इन्होंने बनाया है। दोनों ही फॉर्मेट राइट फॉर्मेट है, ठीक है, तो यही इसीलिए मैंने दोनों ही आपको शेयर कर रहा हूँ, तो जिसको जो ठीक लगे दो में से कोई भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हो। ये क्या बोलते हैं, जिस तरीके से इसने बनाया है शुभम ने, इस तरीके से ऑलरेडी नागपुर के कंपनी टेक्सचर है, उसमें एक मेरा स्टूडेंट है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल में काम कर रहा है, तो
तो समझ सकते हो कि शुभम वाला भी अच्छा है और सुदाम वाला तो ऑलरेडी वो फेमस ही है, मेरा फॉर्मेट ही है वो, ठीक है। तो दो में से कोई फॉर्मेट बना लेंगे। आपको करना क्या है, ग्रुप में अपना मेल आईडी दे देना है, मैं रात में 11 बजे तक लगभग फ्री हो पाऊँगा 11:30 तक, तब मैं आपको वो रिजन का फॉर्मेट शेयर कर दूँगा, प्लस ऑटो कैट के सॉफ्टवेयर भी शायद रात में या फिर कल मॉर्निंग में तुमको मिल जाएंगे। चलिए और कोई डाउट? हाँ सर, जो AutoCAD 2D एंड 3D में सर जो आपकी जो यूनिक सिविल ऐप है उसमें सर जितना आपने पूरा कवर किया AutoCAD को, सर कंपनी में सिर्फ उतना ही डिमांड है या उसके आगे भी कुछ डिमांड है AutoCAD के अंदर? उसके जो जब उसको मैं बना रहा था तो मेरा पहला प्लान यही था कि मुझे AutoCAD दूसरों की तरह नहीं बनाना है, AutoCAD में वो कंटेंट डालना है जो कंपनी को चाहिए। तो सर दिल्ली में कोई ऐसी कंपनी है सर जो मतलब अभी जॉब प्रोवाइड कर रही हो? क्योंकि सर मेरे को अच्छे से आ गया था AutoCAD। अच्छा, वेरी गुड। फिलहाल तो तुम अपना रिज्यूम शेयर करना, अभी इंटरव्यू हम जब लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा तुम कहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है। अभी हम लोग मॉक इंटरव्यू भी शुरू करेंगे। और दूसरी चीज़ ब्रदर ये कि क्या बोलते हैं, डेफिनेटली अगर तुमने उतना सीखा है तो तुम बीम वाली जो कंपनियाँ होंगी उसमें तो तुम क्रैक कर जाओगे, और अभी हमारा मेन प्रायोरिटी है जॉब लगवाना, ठीक है। तो आप बहुत जल्दी शायद आज से भी या फिर कल से आप लोगों को धीरे धीरे ओपनिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जितना हाँ बोलो जी सर, AutoCAD के अंदर से जो मतलब मैं अगर जैसे पोर्टफोलियो के अंदर भी AutoCAD को ऐड कर सकते हैं क्या, AutoCAD का पोर्टफोलियो? नहीं, AutoCAD का पोर्टफोलियो बनाना समझदारी नहीं जाएगा उधर। या फिर अगर आप एलिवेशन में बहुत अच्छे हैं, AutoCAD का एलिवेशन जो मैंने कवर बहुत कम किया है, क्योंकि डेफिनेटली वो प्रैक्टिस से आता है आपके, वो मैं एलिवेशन अगर क्लास में पढ़ाने लगूंगा ना तो पढ़ नहीं पाओगे तुम, क्यों? वो मैंने क्योंकि क्रिएटिविटी करने में टाइम लगता है ना, तो मैं तो 5-6 घंटे पहले अपने आप में मस्त हो गया 5-6 घंटे एकदम डिज़ाइन करने में, तुम लोग बोर हो कर लेफ्ट मार्च के चले जाओगे। तो अगर आपका एलिवेशन और सेक्शन अच्छा बनाने की का लेवल है तब तो पोर्टफोलियो बनाइए, नहीं तो मत बनाइए AutoCAD के बेस पे, ठीक है। हाँ जी सुधा, हाँ सुधा बोलो। सर एक्चुअली जो मॉडलिंग में ऐसे करता मोस्ट ऑफ दी 20% यूज होता है ना, एक बार फिर से बोलना पड़ता है, बीम मॉडलिंग में AutoCAD का 20% यूज होता है ना? हाँ, कैसे होता है? क्योंकि हमें वो जो फाइल है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। हाँ, तो कहीं जब अगर मैंने हाई वर्जन पे काम किया या लो वर्जन पे काम किया, करेक्ट, उसको लो करना पड़ता है, हाई करना पड़ता है, तो उसको IFC फॉर्मेट जो रहता है, करेक्ट, उसमें एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के बाद कौन से भी ओरिजिन में। इसीलिए अभी मनीष ने ही क्वेश्चन पूछा ना कि वो सफिशियंट है क्या, तो मैंने इसीलिए 21-25 घंटे का केवल बनाया AutoCAD, क्योंकि मुझे पता है कि उसका रिक्वायरमेंट ही 25 घंटे का रहेगा, समझ गए? क्योंकि AutoCAD का काम कितना है, अभी जब तुम मॉडलर बनोगे तो फाइल को लोअर से हाई करना है, कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो DWG फॉर्मेट में आ जाएंगे उनको बाद में तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा IFC वगैरह में, इन्हीं सब वर्क में यूज में आता है। बाकी कुछ जगहों पर ऐसा होगा कि किसी ने बोल दिया कि मुझे डिटेलिंग चाहिए और 2D डिटेलिंग चाहिए, तब वो तुम्हें फिर से AutoCAD में करना पड़ेगा, बस इतना सा काम रहता है जो कि मैंने सिखाया हुआ है। कल आप लोग को लेक्चर मिल जाएगा तो कल से आपको खुद ही समझ आ जाएगा उसके बारे में। मनीष बोल रहे हैं कि सर क्या बोलते हैं, कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट का मिलेगा सिविल का? यस, सर्टिफिकेट टोटल 4 मंथ्स का इंटर्नशिप का प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा ISO सर्टिफाइड, ठीक है। जैसे ही आपका जॉब लग जाता है, ठीक है, और आपके और जो फी वगैरह है वो सब कंप्लीट हो जाते हैं, आपको 4 मंथ्स का प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा इंटर्नशिप का, ठीक है। चलो ठीक है, अभी हम लोग कल नहीं मिलेंगे, लेक्चर तो अपना 20 से स्टार्ट है, बट शायद 19 को एक लेक्चर हम ऐप पर लेंगे, ऐसे ही डिस्कशन का, लेक्चर नहीं डिस्कशन का, सो दैट कि आप ऐप से भी यूज्ड टू हो जाए कि ऐप पर लेक्चर वगैरह कैसे लेना है, 20 को कुछ प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी बोलो। हाँ सर, मैंने 3DS Max भी सीखा था, करेक्ट, बट उस पर मैंने अभी तक प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी स्टार्ट किए बट मोस्टली मैंने फिनिश नहीं किए, क्योंकि मुझे लाइक विजुअलाइजेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, और फिर कुछ प्रोजेक्ट्स जो फिनिश हो सकते थे उसमें मुझे जैसे थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इससे बेटर भी हो सकता है, और फिर कंस्ट्रक्शन में पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, स्ट्रक्चर जो इसका जो भी दिया है जिसने भी, वो प्रॉपरली इसको
मतलब एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा इसे मुझे लग रहा था। तो सर ये प्रॉब्लम्स किस वजह से मुझे फेस करनी पड़ रही है? इस प्रॉब्लम फेस करने का सबसे बड़ा रीजन ये है ब्रदर कि हमने सबसे हाई सॉफ्टवेयर को सबसे पहले सीखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ये वही हो गया कि तुम अच्छे ड्राइवर नहीं बन सकते हो अगर तुमने हायाबुसा से अपना बाइक चलाना स्टार्ट किया तो। ठीक है पहले तुमको प्लेटिना और स्प्लेंडर चलाना चाहिए। ठीक है तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है चलो अभी मैं एक लड़के का इंटरव्यू है उसको हेल्प कर देता हूँ और बाकी क्या बोलते हैं मिलते हैं हम लोग 19 को। मैं ऐप में आप लोग अपना अपना मेल आईडी फटाफट शेयर कर दीजिए सभी लोग। ठीक है ओके और मैं कल एक एक करके सबको कॉल करूँगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो हम ऐप पर आपको क्या बोलते हैं लेक्चर्स असाइन कर देंगे ऑल इन वन सॉरी BIM का। चलिए ठीक है सबको गुड नाइट, थैंक यू सो मच, होप आप लोगों को मजा आया होगा। ये केवल डिस्कशन था, अभी लेक्चर तो आप लोग देखोगे और हाई लेवल बन जाएगा वो। ठीक है सबको बाय, थैंक यू, ओके सर, गुड नाइट सर, ओके गुड नाइट जी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड नाइट।